अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको ए टी वी लाउंज में खुशामदीद, मेरी तरफ से ए टी वी लाउंज की टीम की तरफ से और मुस्तफा की तरफ से भी। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच सोनिया फॉर दिस ग्रेट इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है पाकिस्तान भर में जब भी लोग आपकी आवाज़ सुनते होंगे तो फ्रेश हो जाते होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि हमारा शो जो है वो रात को भी आपके साथ होते हैं, हम सुबह भी होते हैं, यानी कि दो बार दोबारा होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ना एफएम पे बैठे हुए हैं, एटीवी लाउंज में नहीं, हम एफएम का शो कर रहे हैं। हमारे फ्लो और एनर्जी ऐसी होती है क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है जितना जितना शो आगे जा रहा है। स्पेशली हमारा जब शो स्टार्ट होता है और हमें जो एक्साइटमेंट होती है कि आज के मेहमान से हम आपका तारुफ कराएं, और हमारी अपनी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि हमें भी तवक्को होती है कि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और एक एक्सपीरियंस होता है इन इटसेल्फ। तो सोनिया, क्या आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि आज हमारे साथ हॉट सीट होती है, इसमें कौन मौजूद है? आज जो साहिबा मौजूद हैं, हिंट दे दी इन्होंने, बिल्कुल थोड़ी सी तो देनी बनती है ना। सो आज जो साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं वो एक इंतहाई बहादुर और नटर कस्म की खातून है। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गई हूँ जब मैंने उनकी कुछ क्लिप्स देखे, उनके बारे में जब हमने रिसर्च की। सो लिटरली आई गॉट गूज़बम्प्स के एक खातून ऐसे कर सकती हैं। सो मेरे ख्याल से आप जो है उनका इंट्रो करवाइए। बिल्कुल जी, और इंट्रो भी बहुत ही मज़ेदार है, जर्नलिज्म से उनका ताल्लुक है, मगर बहुत ही डिफरेंट, जैसा मैंने कहा कि एक बहादुर जर्नलिज्म से ताल्लुक है। शी हैज़ बीन कवरिंग डिफेंस, कॉन्फ्लिक्ट, फॉरेन अफेयर्स, वॉर ऑन टेररिज्म फॉर लास्ट 18 ईयर्स। उसके साथ साथ ये पाक अकवान जो यूथ फोरम है उसकी भी एक बड़ी एक्टिव मेंबर हैं। इन्होंने बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है ये जो अफगानिस्तान के सिचुएशन है इसके लिए, फंड्स इकट्ठे करने के लिए और जितना मोबिलाइज करने के लिए, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा बहुत सी और भी बातें हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि हम इनसे ही गुफ्तगू करें, इनसे ही जानें और इनसे ही बात करें, मगर ये इनका प्रोफेशनल तारुफ है, हम चाहते हैं कि इनके पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी इनसे सवाल किए जाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबको मैं तारुफ करवाऊँ सुमैरा खान से। कैसी हैं आप? एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, खुश आमदीद मैम। बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी। थैंक यू, और तारुफ भी बहुत अच्छा था। थैंक्स फॉर काइंड वर्ड्स। एंड इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैम दिल से हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि हमने जब आपकी वीडियोस देखी, सो आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स के पीछे बुलेट्स चल रही हैं, बॉम्बिंग हो रही है, और सुमैरा साहिबा जो हैं वो खड़ी हुई हैं, और बस यू नो आपको देख के मुझे फील ही नहीं हुआ कि खातून खड़ी हैं, मुझे लगा कोई हीरो खड़ा हुआ है। असल हीरो तो आप हैं, आप हीरोइन नहीं, आप हीरो हैं, मतलब सीरियसली मैम। स्पेशली आप ये देखें कि वो ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसे मनाजिर होते हैं जो हमें, हम तक ना पहुंच सके, अगर इनके अंदर वो दम ना हो, वो करेज ना हो कि हम तक वो बात पहुंचे। सो हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। आई एम रियली एम्बैरस्ड कि मुझे इसका जवाब भी कैसे देना चाहिए, क्योंकि हम जब उस वक्त वहाँ पर होते हैं, या मैं जिस मंजर की आपने बात की, अब यकीन करें अब तक नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के बहुत से लोग इंटरव्यूज़ में यही पूछ चुके हैं कि उस वक्त कैसा लग रहा था। और उस वक्त मुझे सिर्फ इतना वो हो रहा था कि पीछे से इतना शोर है कि मैं अपनी बात नहीं मुकम्मल कर पा रही, और वो हैरान होते थे कि तुम्हें वाकई बुलेट्स करनी। मैंने कहा वाकई में एक रिपोर्टर जो होता है, ख़ासकर हम वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जोन कवर कर करके इतने इम्यून हो चुके हैं, या सादा अल्फाज में हम बहुत आदी हो चुके होते हैं। और फिर शायद मैं दोहराना नहीं चाहती कि पाकिस्तान के हवाले से जब भी ये बात आती है तो मुझे एक दुख भी होता है बहुत ज़्यादा, कि इससे ज़्यादा तकलीफ दे मनाजिर हम पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर को कवर करते हुए देख चुके हैं। हमने अपने फ़ौजी जवानों को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा है, हमने उनके जस्ते खाकी देखे हैं कब्रों में उतरते हुए, उनके माँ बाप को, उनके हौसले वाले माँ बाप को वो झंडा अपने जवानों की जिस्म के साथ वसूल करते, गुरूर के साथ, फ़ख्र के साथ देखा है। तो वी हैव बिन थ्रू सो मैनी फेजेज कि वो जो गोलियां चल रही थी वो मुझे सिवाय एक शोर के और कुछ नहीं महसूस करते कि ख़त्म हो तो मैं अपनी बात पूरी करूं। तो लिटरली मुझे शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप बता रही हैं, और वी कैन इमेजिन कि वो कितना मुश्किल टास्क होता होगा कि जब इनफैक्ट आप खड़ी होती होंगी, आप तो सिर्फ ये सोच रही हैं कि ना गोलियां चल रही हैं सारा कुछ, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि एक खातून अकेले वहाँ खड़ी हैं, पीछे गोलियां, मतलब लोग वहाँ से भागते हैं और आप वहाँ खड़ी हैं और आप रिपोर्टिंग कर रही हैं। सो मतलब मेरा ख्याल है कि अमेजिंग, जितनी तारीफ की जाए आपकी बहादुरी की कम है, और आपसे बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए। आप हैं असल में रोल मॉडल कि किस कदर एक खातून बहादुर हैं। आज हम कहते रहते हैं ना खातून ये हैं, मजलूम और मिस्कीनियत का रोना रोती रहती हैं। exactly, भाई ये बहुत इख्तलाफ, ये भी तो खातून हैं। एक्चुअल एग्जांपल, एग्जैक्टली, मुझे बहुत इख्तलाफ है इसी से। मेरी अपने घर में मेरे भाई जो हैं वो बहुत खुश होते हैं एक बात पर कि मैंने किसी ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग नहीं सीखी, मुझे बाबा ने
भाइयों ने फिर हस्बैंड जो थे वो गलतियां निकालते रहते। आज अगर कभी रोड पर भी, इनफैक्ट एक दो मरतबा वाक़यात ऐसे हुए कि अगर रोड पर, मुझे नहीं पता वाकई कि मेरी ड्राइविंग ख्वातीन जैसी है या मर्दों जैसी है, लेकिन अक्सर औकात अगर मेरे भाई को बहुत पसंद है तो कहते हैं सही मर्दों वाली गाड़ी चलती, क्यों मेरी औरत अच्छी गाड़ी नहीं चला सकती, क्या मतलब आपको इसका, मर्दों वाली गाड़ी चलाती हो तुम, सही टका के रखती हो तुम सड़क पे। तो आई थिंक के वी आर इन अ फेज, वी आर मे बी इन अ प्रोसेस, वी आर स्टिल प्रोसेसिंग दैट जेंडर इम्बैलेंस, कि जहाँ पे मान लिया जाएगा कि ख्वातीन जो हैं वो सिंफ नहीं है जिसको हम समझते हैं, उनके अंदर हर चैलेंज से अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़रा हम ये जो आपकी इतनी इंटेंस जिंदगी है और ऑब्वियसली ये एक बड़ी चैलेंजिंग जिंदगी भी है क्योंकि मूवी बन सकती है ऊपर और कौन बहुत सी इस तरह की फिल्में जो डायरेक्टर और हम स्टोरी राइटर्स देख रहे हैं तो वो ज़रा देखें कि इनके ऊपर भी जो है ना वो मूवी बनाई जा सकती है। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान से वाहिद फीमेल जर्नलिस्ट थी जो अफगानिस्तान में उस टाइम पर रिपोर्ट कर रही थी, तो आई थिंक एक कहानी एक गुरूर और फख्र का मोमेंट है। एक्जेक्टली, तो सारे पाकिस्तानी शुड बी प्राउड ऑफ दिस। अच्छा ये बताएं कि चैलेंजिंग काम है, टेंस काम है, वन कैन इमेजिन ऑब्वियसली ये तो है ही है, इंसान जो है वो थोड़ा सा घबराता तो है, तो इसके साथ अनवाइंड कैसे करती हैं, हाउ डू यू नॉर्मलाइज योर सच एन डिफिकल्ट वर्क? आई थिंक इफ यू आर मेड फॉर समथिंग यू, आई थिंक यू आर डेस्टिन्ड टू अचीव दैट। या आप अब शुरू से ही, मेरी एक बड़ी बहन है, हम दो ही बहनें हैं, चार भाई हैं, वो बहुत कम उम्र में चली गई मुल्क से बाहर, अच्छा। तालीम, फिर शादी, फिर वो जाहिर है दो बहनों के बीच में डिस्टेंस, फिर चार भाइयों के साथ पलना भरना, वही रफ एंड टफ और टॉमिश बॉय टाइप की ज़िंदगी। तो मुझे बचपन में भी वो कहते थे सारे घर वाले कि हम वैसे पख्तून हैं, मेरी अम्मी अब्बा दोनों हम पख्तून घराने से, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ननिहाल मेरा पार्टीशन के बाद जब मेरे नाना ब्रिटिश आर्मी छोड़ कर आए थे तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको ऑनरेरी, फिर पाकिस्तान रेलवे में उनको वो एक डिस्टिंग्विश पोस्ट के ऊपर थे, तो वो लाहौर में ही ननिहाल सेटल रही तकरीबन। तो वो हमारे यहाँ एक पंजाबी का भी बहुत अंसर है, अच्छा हम पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, तो वो मेरी फैमिली में ना देखते ही वो जिस तरह की मेरी हरकतें होती थी कि भाइयों के साथ ही वो निकर शर्ट में ही फटाफट दुपट्टा लपेट के सिपारे के लिए भागा, सिपारा पढ़ के आया, दुपट्टा फेंक दिया, फिर उनके साथ गली में खेलने लगे, वो कहते थे कि अदे अदे कम कुड़ियाँ वाले नहीं है कुछ और ही आइटम है साडा। तो वो शुरू से ही उनको पता था कि ये थोड़ा सा वो फैमिली कंजर्वेटिव चीज़ों के खिलाफ या उसके अगेंस्ट जाएगी, और हुआ भी ऐसे। मुझे शौक था मीडिया में जाने का शुरू से ही, मैं ये नहीं कहूँगी मैं एक्सीडेंटली इसमें आई थी, मैं हमेशा ये बात बहुत साफ कहती हूँ कि पीपल, इफ़ यू एम्ब्रेसिंग योर सब्जेक्ट और इफ़ यू आर सक्सेसफुली एम्ब्रेसिंग योर प्रोफेशन, तो आप ये ना कहें कि वो हाँ मेरा इरादा तो नहीं था लेकिन मैं एक्सीडेंटली इधर नहीं, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, मैंने एक बहुत कंजर्वेटिव घराने में आँख खोली है, वहाँ पर वो सादात हैं, पुख्तून हैं, डबल जेपर्डी तो वो नहीं मानते थे कि अभी भी मेरे अलावा मेरे दोनों तरफ फैमिलीज में कोई लड़की काम नहीं करती, जॉब नहीं करती, आई एम द ओनली वन इन माय फैमिली। पूरे फैमिली में नहीं है, दोनों फैमिली की सपोर्ट है इस तरह से आपके साथ कि आप अकेली हैं, तो फैमिली को अपनी आगे की फैमिली की भी सपोर्ट है, क्योंकि वो होता है ना इस घर की लड़की देखो काम कर रही है, ऐसा तो बहुत कहा जाता है, ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे मामले में बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता अभी तक कि मेरे मामले में मेरे घर के मर्दों ने बावजूद ये कि बहुत सख्त किस्म के पठान है वो, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि एक चीज़ आप सप्रेस नहीं कर सकते, इफ़ शी हैज़ इट लाइक बाय डिफ़ॉल्ट। और मैंने बताया ना कि मैंने मेहनत की है कि मैं बच्चे कार्टून देखने के लिए वेट करते थे और मैं वेट करती थी कि जल्दी से मुस्तनसर साहब अपना मॉर्निंग शो में इंट्रो पूरा करें, तो मैं तलत हुसैन का या कुरतुलैन रिज़वी का न्यूज़ वाला चंक मैं देखने के लिए रुकती होती थी, तो जहाँ बच्चा आगे रहा और पीछे मुड़ मुड़ के टी वी देख रहा तो मेरा वो हाल होता था। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर या उर्दू न्यूज़पेपर जो मिलता था उसकी कटिंग्स मिल जाती तो मैं अपनी अम्मी को पढ़ के सुनाती होती थी कि आप चेक करें मैं कैसा पढ़ती हूँ। तो लाइक मेरी अम्मी का ये था अलबत्ता कि वो बिल्कुल एक ठेठ किस्म की, जैसे वो एक देहात की सादा पुरखलूस औरत जिसको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है, वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, बट शी नेवर थॉट कि मुझे इतने एक बोल्ड प्रोफेशन में जाना चाहिए। उनके लिए था कि शायद सिर्फ गाना बजाना होता है, जैसे वो नॉर्मली मीडिया का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है,
कि गाना बजाना होगा, ड्रामे होंगे या कोई पता नहीं किस तरफ एक्ट्रेस ना बन जाए, मॉडलिंग की मॉडलिंग में ना चले जाएं। अच्छा वो भी क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई हैं, बहुत अच्छे घरानों की लड़कियां उस प्रोफेशन में आई हैं। जब मैं मीडिया में आई तो उनके लिए समझना मुश्किल था कि ये न्यूज़ क्या बला है और वो क्या बला है, तो फिर हमने समझाया और तसल्ली उनकी फिर तब हो गई, उन्होंने मेरी सर्वेलेंस तब छोड़ दी जब उन्हें यकीन हो गया कि अच्छा ही बाहर जाके सिगरेट नहीं पीती, तो जब वो तसल्ली उनको हो गई फिर उन्होंने कहा कि बस ठीक है इसका। बट माय फादर माय ब्रदर्स दे वर दैट मेन बीकन ऑफ सपोर्ट दे सपोर्टेड मी लाइक एवरी हार्ड फेज ऑफ माय फैमिली। हमारे गांव में ब्रादरी ने बहुत अरसे तक बात करना छोड़ दिया, मिलना छोड़ दिया, एक तरह का सोशल बॉयकॉट हो गया था, बट नाउ दे आर ऑल प्राउड ऑफ मी। दे ऑलवेज हैड योर बैक। मगर ये बताइएगा कि जब आप इस तरह की कंडीशंस में जाती हैं जो हॉस्टल एनवायरनमेंट होता है उसमें, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का कंसर्न वुड हैव बीन मच के क्या हो रहा है, किस तरह की सिचुएशंस हैं, उसको कैसे आप मैनेज करती हैं, हाउ डू यू काम देम डाउन? मेरा तो ख्याल है बताती ही नहीं होंगी। शुरू में नहीं बताया था, सवाल तक जाने उससे आगे नहीं जाएंगे। शुरू में नहीं बताया था, जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी नॉर्थ वजीरिस्तान मीरअली गई थी, उस वक्त हमारा एक बहुत एक हैवी ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट हाइड आउट हमारे ट्राइबल एरिया में शुरू हुआ था, नहीं ऑपरेशन अलमिजान था एंड इट वॉज बीइंग कंसीव्ड इन दोज फेजेस बैक इन 2004। अच्छा तो मेरी जर्नी मेन वहाँ से शुरू होती है 2004 से एंड इट वॉज अ विजिट विद ISPR एंड आई रिक्वेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ दैट। कि उस वक्त जर्नलिस्ट जा रहे थे, मैं सबसे छोटी थी तो मैंने एज का झूठ बोला था, तब मुझे जगह मिली थी। आई वॉज एक्चुअली 17 बट आई सेड मैं आई एम 19, तो कहते हैं आईडी कार्ड, मैंने कहा वो बस सब पता नहीं कहाँ रखा, मिल जाएगा, हमें चलना चाहिए वापस आके। तो वो इस तरह का मेरा पैशन था कि आई डिड एवरी पॉसिबल एफर्ट to be there to reach that point. जब वो reports चली थी, मेरी अम्मी ने जब देखा तो वो फिर कहती थी कि ये क्या तुम, ये क्यों, मतलब फौज क्या कर रही है, कहाँ जाती हो तुम, she didn't know anything about it. फिर मैंने उनको explain किया कि इस तरह वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है, जब वो ट्विन टावर्स गिरे थे तो अमरीका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, फिर उसामा की ये ट्रेल थी, तो उनको सारा मैंने पस मंजर बताया। फिर शी केम टू कि अच्छा तो ये न्यूज़ होता है, मैंने कहा हाँ ये न्यूज़ होता है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा नहीं कि तुम कितना खतरनाक काम कर रही हो, कहाँ जा रही हो? अच्छा फैमिली तो अब इतनी आदी हो गई है कि अभी जिस अफगानिस्तान इंसिडेंट की आपने मिसाल दी है, तो शाम को मेरा बेटा मुझे कहता है कि वैसे ये मज़ा आ गया मामा, ये रियल टाइम पबजी है ना, कहते ऐसे लग रहा था कि आप ना पबजी के सिनेरियो के अंदर है, गोलियां चल रही हैं, तो वो आदि हो चुके हैं शायद कि अब उनको पता चल गया है कि व्हाट इज एग्जैक्टली माय फोर्टे एंड व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई एम नोन फॉर। तो बीइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर मी द मोमेंट ऑफ प्राइड वाज के अफगानिस्तान में जितने भी फॉरेन मीडिया के मेल जर्नलिस्ट थे, मेल कॉलीग्स, वो ABC, CNBC, BBC, तमाम के तमाम, दे रियली अप्रिशिएटेड मी और सब पूछ रहे थे, बल्कि कुछ ने ट्वीट भी किया उसमें ऑफिशियल अकाउंट्स के साथ के नॉट इवन अ फ्लिंच एंड नर्व्स ऑफ स्टील। तो वो कहते हैं ये तुमने कैसे किया, तुम सिर्फ इतना हमें राज बता दो कि तुम यूँ क्यों नहीं हुई बाकी रिपोर्टर्स की तरह। तो मैंने कहते हैं तुम्हारे कान, वैसे हमने चेक करने तुम्हारे कानों में हेडफोन, वो आपका अंदर जो जीन है वो निडर वाला है ना, वो जो तो वो वाकई हमें पता नहीं है, वो तो आप में ब्लड में है ना, वो तो हमें आदि हो जाते हैं कि शायद हमने अपने घरों में भी वेपन वगैरह इतना शुरू से देख रखा है। यू आर राइट, लाइक वो एक थोड़ा सा पख्तूनिज्म आ जाता है, वो अंदाजा होता है। वेल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत से मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा मुझे सोनिया को बहुत अच्छा भी लगता है और आज तो बहुत फख्र भी महसूस हो रहा है कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत डिफरेंट तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया और हमारे लिए बायस फ़ख्र हैं वो, और स्पेशली मेरे लिए तो इसलिए ज़्यादा मैं एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि वो एक खातून है। जनरली ये सारे काम मर्दों के होते हैं, लेकिन मैं मेरी एक्साइटमेंट इंतहा को इसलिए है कि जब कोई इस तरह की खातून सामने आके बैठती है ना जो मर्दों को भी पीछे छोड़ दें, सो फिर सारी जो बाकी की खवातीन होती हैं उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। एग्जैक्टली, और कोई मर्द भी मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में वो भी डर जाते होंगे। एग्जैक्टली, तो वो आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन बात है, मगर अभी बहुत सी चीजें जो हमें जाननी है। हाँ, बिल्कुल, और हमें सवाद भी दिखाना है इन लोगों को। यस, सवाद तो बड़ा जरूरी है दिखाना। मैम आपने सवाद देखा है?
सवाल, आई बिलोंग टू दैट एरिया। ओ चलेंगे तो बेहतरीन हो गया। तब तो आपको उसकी खूबसूरती से आगा ही होंगे कि कितना हसीन है। हमारा पूरे ये बेल्ट हम लोगों का बनता है फ्रॉम थाकोट बटग्राम टिल अपवर्ड्स बुनेर स्वात मलाकंड, इट्स ऑल आई। वाह वाह, मैंने भी जब विजिट किया था मैं तो बस खो गई थी उसकी, उसके हुस्न में खो गई थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वहां से निकल के आऊं कभी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो आपका जो मेंबर है आप पाक अफगान यूथ फोरम की, पहले तो ये बता दीजिएगा कि इसकी एक्टिविटीज़ और एजेंडा क्या है। पाक अफगान यूथ फोरम की एक्टिविटीज़ के हवाले से मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, ये वो फोरम है जो हमने बहुत कम अरसे में लॉन्च किया एंड इट्स स्पेसिफिकली द क्रेडिट गोज़ टू डीजी सलमान जावेद। ठीक है, हमारा इनिशिएटिव ये था कि तालिबान ऑन स्लॉट प्रायर टू दैट एरा जो पिछली भी अफगान गवर्नमेंट्स थी उसमें एक हेट एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। हमारे अब हम हर तरह से देख चुके थे, स्टडी कर चुके थे कि इसका क्या ऐसा सिलसिला होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान 50,000 से ज़ायद उनके बच्चों को स्कॉलरशिप पे पाकिस्तान ला कर पढ़ा भी चुका है। अब तक का पूरा फिगर बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान ने कितने अफगान स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी हैं। बॉर्डर पर भी हम उनको इतना अकोमोडेट करते हैं, हर चीज़ के अंदर अकोमोडेट करते हैं, ट्रेड में करते हैं, फाइनेंशियली करते हैं, सिक्योरिटी वाइज करते हैं, मगर उसका वो एक जैसे कहना चाहिए ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, उसका एक समर पाकिस्तान को नहीं मिल रहा था, बल्कि वहाँ की जनरेशन में दिन ब दिन मज़ीद जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी जज्बात उभारे जा रहे थे। देन वी डिसाइडेड टू लाइक आई केम ऑन बोर्ड विद सलमान जावेद, उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये एक वाहिद इनिशिएटिव ऐसा था कि जिसके ज़रिए अफ़गानिस्तान से हमने बड़े बड़े इवेंट्स कराए, उनके जर्नलिस्ट को, उनके यूथ को, ख़वातीन को, हमने उनके एक्सचेंज प्रोग्राम्स करवाए पाकिस्तान बुलवा कर, और बहुत मौके पर उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करवाई, सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से करवाई। जब ये ब्रिज हुआ गैप तो देर वॉज़ विजिबल चेंज इन देयर अप्रोच टूवर्ड्स पाकिस्तान। तो अभी भी जो एक सपोर्ट सिस्टम अफगानिस्तान के लिए है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन हैं, ड्राई राशन है, फाइनेंशियल है, जिस तरह से मुमकिन है पाकिस्तान कर सकता है, सैकड़ों टन खुराक भेजी गई है, तो उसमें वी आर प्लेइंग आर स्मॉल रोल के किसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, वट एवर काइंड ऑफ हेल्प इफ पाक अफगान यूथ फोरम कैन बी, तो वो हम एक एडिटोरियली उसको ब्रिज करते हैं गैप को, और वी ट्राई टू मीट बोथ एंड्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि एक महसूस होता है लोकल पॉपुलेशन में भी कि शायद जिस तरह आपने खुद मेंशन किया कि एक प्रोपेगेंडा है जो बहुत डीपली रूटेड है, और वो जो है वो ओवर द ईयर्स जिस तरह पाकिस्तान हैज़ बीन सपोर्टिंग अफगानिस्तान, तो वो जाता हुआ नज़र नहीं आता। तो अगेन मैं वही सोच रहा था कि दिस इज समथिंग, उसमें एक बहुत आपने डीप रूटेड का वर्ड बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। देखें आपका सबसे बड़ा अफगानिस्तान की सरजमीन पर दुश्मन पिछले 21 वर्षों में भारत था। आपको वहाँ से किसी से ख़तरा नहीं था, भारत था, उसके बाद शायद एक और दो तीन ममालिक आ जाते जो कि जिन्होंने अफगानिस्तान को प्रॉक्सी वॉर का गढ़ बना रखा था हमारे खिलाफ, फिर इंटरनेशनल फोर्सेस थे। लेकिन भारत ने क्या किया, जब अमेरिका की इन्वेजन हुई अफगानिस्तान पर तो भारत के पास एक सुनहरा मौका हाथ आया, और ये बाद में जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया वहाँ से स्टोरीज करते हुए, देन आई केम टू नो कि उनका जो असल टारगेट था वो था अफगान यूथ, उस नई नस्ल। उन्होंने किया क्या, देखिए हम लाखों करोड़ों खर्च करके उनकी नौजवान नस्ल को स्कॉलरशिप्स देते हैं, पाकिस्तान बुलाते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, होता कुछ नहीं है। फिर भी वजह क्या है, उन्होंने प्राइमरी लेवल के स्कूल्स में अपने टीचर्स रखे, और इंडियंस का ये एक बड़ा शार्प और टैक्टिकल वार था पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने प्राइमरी के बच्चों के स्कूल्स के अंदर अपने टीचर्स भर्ती करना शुरू किए, उन्होंने ग्रास रूट से उनके जहन साजी शुरू की। एक छोटा बच्चा अगर आप उसको दिन रात कहेंगी कि वो तुम्हारा चचा तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा चचा तुम्हारा दुश्मन है, तो वो तो उसी की सुनेगा, उसी शख्स की सुनेगा जो उसको खिला रहा है, जो उसको पैसा दे रहा है खुला, और पूछ नहीं रहा कि ये पैसा मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, या इस पैसे का तुमने मुझे हिसाब किताब नहीं देना, बेफिक्र हो बस तुम खाओ, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारा चचा तुम्हारा दुश्मन है। दिस इज़ वॉट वॉज हैपनिंग टू यूथ एंड गलेबल माइंड ऑफ अफगानिस्तान। आज वो 20 साल में वो नस्ल पक कर तैयार हुई है, वो एक फसल हमारे खिलाफ बनाई गई है, उगाई गई है। तो प्राइमरी लेवल का बच्चा जब डेली ये सुनता था कि पाकिस्तान ने तुम्हें उजाड़ दिया, जिसके और आज उस नस्ल के पास इस डिबेट को क्वेश्चन करने के लिए एविडेंस भी नहीं है।
जब हम उनसे ये पूछते हैं ना डिबेट्स में कि आपके पास क्या एविडेंस है कि हमने आपको इतना ख़राब किया या हमने आपकी ज़मीन इस्तेमाल की, उनके पास कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि प्रोपेगेंडा की कभी बेसिस नहीं होती. हाँ, वो गहरा ज़रूर होता है, लेकिन जिस चीज़ की बेस ना हो, कभी ना कभी इंसान उसको साबित कर देता है कि हाँ ये झूठ था. आज वो खुद देख रहे हैं, वही इंडिया जिन्होंने उनको 20 साल तक खिलाया इन द नेम ऑफ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, आज उस इंडिया ने तालिबान के आते ही 70,000 वीज़ा अफगानों से रिवोक करके उनको भारत छोड़ने का हुक्म दिया. देखें, बिग एग्जांपल, नॉट क्लेवर मूव. एंड इन 70,000 के अंदर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और आपने एक बहुत नोटोरियस वॉरलॉर्ड का नाम सुना होगा, कंदहार क्योंकि बलूचिस्तान के साथ लगता है, जनरल राजिक के नाम से जाने जाते हैं, जिनको मार दिया गया था. उनके छोटे भाई की फैमिली भारत में थी फॉर मेडिकल पर्पस. उनको कहा गया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप ये जगह छोड़ दें. अब मुझे सुनने में आया कि वो हमारी काउंसलेट्स और एम्बेसी से रब्ता कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान किसी तरह बुलवा लिया जाए. तो दिस इज़ लाइक, इट्स नॉट इंस्टेंट कार्मा, बट इट इज़ कार्मा जो कि खुद अफगान्स भी फेस कर रहे हैं. नाउ दे आर एबल टू रेक्टिफाई देयर जीन्स प्रॉब्लम्स, नाउ दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज द बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा. एग्जैक्टली. और ये कहना भी आई थिंक गलत नहीं होगा कि अफगानिस्तान में भी जो ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई कम्युनिटी, that was Tajik, more than Pakhtun, I think. उनके ऊपर प्रोपेगेंडा ज़्यादा कारसाज रहा. और वो अभी पिछले दिनों बल्कि एक ऑनलाइन उसमें मेरे खिलाफ कैंपेन भी शुरू हो गई थी, when I tried to highlight स्टेट टेलीविजन का ही एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे पूछा गया एंकर की तरफ से कि अपने आपको मुश्किलात क्या आई तालिबान का वो कवर करने में. तो मैंने कहा मुझे सच बोलने पर मुश्किल आता है. अगर तालिब कोई काम अच्छा कर रहा है तो मैं उसको किसी की ख्वाहिश के लिए गलत बनाकर नहीं पेश कर सकती. ये मेरा काम नहीं है. आज आप देखें वो फॉरेन मीडिया आउटलेट्स जो कि स्टोरीज खुद पका कर पेश कर रहे थे, आज वो भी थक चुके हैं. आप कब तक झूठ को बेचेंगे? आखिर आपको सच पर आना है. आज वही एंकर यल्दा हकीमी बीबीसी की, जो खुद अफगान है, जो खुद सोवियत वॉर के बाद अपने फादर के साथ पाकिस्तान आई थी हिजरत करके, यहाँ से वो 2.5-3 साल की थी, फिर गई ऑस्ट्रेलिया. आज जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बोल बोल कर झूठ थक चुकी हैं, नाउ शी हैज़ टू प्रेजेंट ट्रूथ. एक हद होती है, एक लिमिट होती है. आज खुद अफगान्स के सामने सारी सच्चाई आ रही है. और मुझे खुशी है कि अगर तालिब ने किसी औरत को नहीं मारा था और मैं देख रही थी, तो मैंने सच बोला कि उसने उस औरत को नहीं मारा. इट वॉज ऑल प्रोपेगेंडा. और शुरू 2-3 दिन से ही शुरू हो चुका था कि देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ वुमन, एक वीडियो बना रही होती थी, दूसरी प्रोवोक कर रही होती थी, वो चुप करके देखते रहते थे. तो मुझे ये कहा जाता था कुछ अफगान फ्रैक्शंस की तरफ से कि यू आर सपोर्टिंग तालिबान. मैंने कहा नो, आई एम सपोर्टिंग माय जर्नलिज्म एथिक्स. अगर तालिबान गलत कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एजुकेशन बैन लगाया था, आई वॉज द मोस्ट वोकल पर्सन अगेंस्ट देम. एजुकेशन बैन बच्चियों पर नहीं होना चाहिए. अगर लड़कों पर नहीं है तो लड़कियों पर भी नहीं होना चाहिए. यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए. ख्वातीन की मिनिस्ट्री आपने क्यों बंद की? ख्वातीन को नौकरियां क्यों नहीं दे रहे? आई वाज़ द फर्स्ट फीमेल कि मैंने खुद तालिबान स्पोक्स पर्सन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये सवाल पूछा. तो हाउ कैन यू रेज ऑब्जेक्शंस ऑन माय जर्नलिज्म? आप ऑब्जेक्शंस तो उन पर लगाएं कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आकर अफगानिस्तान की जमीन को अपने एजेंडास के लिए इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए कि सलूट टू पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द आर्मी के मुझे लगता है कि इतना सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के लोगों को बैकिंग दी है कि आज वहाँ पर एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर आई बिलीव कि पीपल आर सर्टनली हैप्पियर देन दे वर बिफोर. देखिए आहिस्ता आहिस्ता डस्ट हैज़ स्टार्टेड टू सेटल. अब आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे न्यूज़ को. तालिबान की भी टेंशन अब रिकग्निशन से हट गई है. इन्होंने बहुत वक्त ज़ाया किया कि हमें रिकग्नाइज कर लो, हमें रिकग्नाइज कर लो. चाहिए ये था कि पहले दिन से ये दुनिया को कहते कि हमने अभी टेक ओवर किया है, आप ये जो आने वाला ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इससे निमटने में हमारी मदद करें. रिकग्निशन के साथ देखी जाएगी. They started paying diplomatic visits to every country. Nobody recognized them, including Pakistan for the first time. तो मसला उनके अंदर भी है, मसला अफगान्स के अंदर भी है. जो दूसरे ममालिक में चले गए हैं वो एक पैसे की मदद नहीं करते उन अफगान्स की जो भूखे मर रहे हैं. I wanted to ask you this, कि ये जो आपने, आप you're playing a very instrumental role in this, कि ये जो aid है for अफगान people, उनकी ज़रूरत है और एक humanitarian crisis है बहुत बड़ा दुनिया का,
तो उसके अंदर पाकिस्तान से किस तरह की मदद मिली है? पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ मदद नहीं की, मैं सिंपली ये कहूँगी कोई ऐसी जगह नहीं है। हमने बहुत इल्ज़ाम भी सहे, हमने बहुत बातें भी सुनी। वो अफ़गान जिसको हम अफ़गान डियास्पोरा कहते हैं, जो यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में हैं, उन्होंने बहुत पाकिस्तान को बदनाम किया, हैशटैग चलाए हमारे ख़िलाफ़ ट्विटर पे भी, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हुआ क्या कि उल्ट हुआ उसका। फॉरेन मीडिया ने प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ की वजह से अफ़गान का जो स्क्रीन टाइम था वो 50% से भी कम कर दिया। लाइक यू हैम्पर्ड योर ओन कॉज, आपने हमें क्या नुकसान, हम एक माशाल्लाह एस्टैब्लिश्ड मुल्क है हमारा, वी आर अ फोर्स, वी आर अ फोर्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। पाकिस्तान, नो वन कैन अनडू पाकिस्तान, दिस इज़ माई बिलीफ आफ्टर आई हैव फेथ इन वन अल्लाह एंड ऑल हिज प्रॉफिट्स। मेरा दूसरा बिलीव ये है कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत अनडू नहीं कर सकती, और ये कयामत रहेगा। तो आप अपनी एफर्ट्स अपने मुल्क के लिए लगाएं। आप दूसरे मुल्क में बैठ के, ट्रस्ट मी, किसी एक अफगान ने, कुछ दो तीन मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट थी जिन्होंने टर्की से या यूके से काम किया है, मगर मैंने अभी तक नहीं सुना कि किसी एक भागे हुए अफगान ऑफिशियल ने किसी इधर भूख से मर रहे अफगान की मदद की हो। अपने लिए उन्होंने लॉस एंजलिस के अंदर, बेवरली हिल्स के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क में पेंट हाउसेज ले लिए हैं, करोड़ों डॉलर्स की जायदादें खरीद रहे हैं, मगर भूखे मर रहे अफगान के लिए दो वक्त की रोटी डोनेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान प्लेज्ड बिलियंस ऑफ रुपीस, अब पाकिस्तान तकरीबन 5 बिलियन का एक पैकेज जो है होलसम वो किया है, उनके लिए प्लेज किया है। उसमें मेडिसिंस हैं, उसमें वैक्सीनेशन है, उसके अंदर ड्राई राशन है, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली पैकेजेस हैं, हेल्थ पैकेजेस हैं, प्लस 50,000 मेट्रिक टन्स पाकिस्तान ने वीट उनको दिए। बाय द वे, ये वो वीट है जो हमने पाकिस्तान के लिए खरीदी थी। और ये अंदाजा लगाएं, और ये खरीदी गई है, ये हमें मुफ्त में नहीं दी किसी ने, वो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए जाएगी। प्लस इतने खराब हालात में भी जो इंडिया ने एक पाकिस्तान को टेस्ट करने की कोशिश की कि हम अपने ट्रक्स ने वागा के थ्रू गंदम लेके जाएंगे अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान ने कहा आप ऐसा करें, आप अपने बॉर्डर तक गंदम ले आएं, हम ये ज़रूर कर देंगे कि हम अब यहाँ से अफगान ड्राइवर्स और अफगान ट्रक्स या पाकिस्तानी ट्रक्स में डाल के अफगानिस्तान भिजवा देंगे। पाकिस्तान के इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया के साथ इज़ नॉट इन टॉकिंग टर्म्स आफ्टर जो भी पुलवामा उनका एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो इतना पाकिस्तान कर रहा है, दोनों 5 ट्रेड क्रॉसिंग्स हैं अफगानिस्तान के साथ, उसमें दो बड़ी हैं, चमन, तोरखम, खरलाची, गुलाम खान और अंगूरडा, इसमें दो पर पूरा दिन तकरीबन हज़ारों की तादाद में अफगान आते हैं। हमारे यहाँ स्कूल्स, एक बड़ी तादाद ऐसे हैं जो स्कूल आते हैं पढ़ने, फिर शाम को वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो दे हैव बीन गिवन रिलैक्सेशन इन ऑल दोज थिंग्स। फिर जो अफगान यहाँ पे एज अ रेफ्यूजी आ रहे हैं, जो पनाह के लिए, उनके पासपोर्ट वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी गई है उनसे, वो सिर्फ अपना शिनाख्ती कार्ड, जिसको तज़करा बोलते हैं वो लोग अपनी ज़बान में। पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, और ये सारी चीज़ें इतनी कॉमनली हमें बताई नहीं जाती। लाइक ये तो अभी आप दुनिया में कौन सा मुल्क होगा जो आपको कहेगा कि ठीक है अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाओ कि तुम अफगानी हो, आ जाओ। उनको बड़ी बात है, और अपनी वीट, अपनी गंदम जो खरीदी हुई थी वो आप। बिल्कुल मैम, आपने जितनी भी बातें कही हैं, मैं वो तो सारी चीज़ें सुन रही थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, आपको कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके, क्योंकि अभी जो इस वक्त नई नई बच्चियाँ जो जर्नलिज्म में आना चाहती हैं, वो उस वक्त आप उनका रोल मॉडल हैं, मेरा भी आप बन गई हैं, मुस्तफा का भी, आई एम श्योर अबाउट इट। सो अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगी तो उन जो आना चाहती हैं बच्चियाँ, उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है औरत को इस फील्ड में, और वो होता है हरासमेंट का, और ये रहेगा, मेरा नहीं ख्याल कि ख़त्म होगा, चाहे जितने भी हम एडवांस लेवल्स पर चले जाएंगे, लड़कों के लिए भी है और इसमें कोई शक नहीं। मुस्तफा तुम्हें देख के कहा लड़कों के लिए भी, इसका गिला ना बन जाए, अपने ग्रुप बना के बैग या नहीं। इट इज बोथ फेज, लेकिन बच्चियाँ क्यों ट्रैप होती हैं उसमें, आई थिंक सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है। मेरी वैसे बाय द वे एक आदत थी जिसकी वजह से मैं
मैंने कहा ना भाइयों के साथ पली थी तो वो कहते थे कि तुम सिर्फ मार के आ जाओ तंग करने वाले को, बाकी हम संभाल लेंगे. तो मेरी ट्रेनिंग उन लाइंस पर हुई है फैमिली से ही. हमारी बच्चियों को वो हर घर के अंदर वो सपोर्ट सिस्टम मिले. मैं मेरा तो एक उसूल रहा है आज तक, कोई आपको इस नज़र से देखे, आपको उस तरह एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, वो आपको किसी इंसान ने नहीं देना. कामयाबी भी अल्लाह के हाथ में, आप उसको एक उल्टे हाथ की लगाएं और उस जगह से निकल आए. डिपेंडिंग कि आप किस पोजीशन में खड़े, सीधे हाथ की भी लगा, सीधे भी हाथ की भी लगा सकते हैं. मतलब वो चॉइस इज योर्स. बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ वो लगे सही वाला लगे एक जाके. देयर इज नो जस्टिस इन कमिटीज, इन इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस. आप अपना फैसला उसी वक्त करके, जस्टिस इज सर्वड एंड शुड बी. बाद में ये यकीन ना रखें, हमारे मीडिया में हर चैनल के अंदर एक एंटी हरासमेंट कमेटी बनी होती है. आज तक किसने कितने केसेस सुलझाए हैं. आपको अपना काम खुद करना होता है, अपनी फाइट खुद करनी होती है. आप अब हाँ ये ज़रूर करें कि अपना हक मांगे, सिर्फ किसी और का हक ना छीने. द होल माई करियर आई हैव बीन डूइंग इट. अगर मैं एक काम में अच्छी नहीं हूँ तो मैं वो मांगूंगी नहीं, फिर मेरा गिला नहीं बनता. मुझे लगता था शुरू से मैं रिपोर्टिंग में ठीक हूँ, मुझसे एंकरिंग नहीं होती. जितनी डिसेंसी से आप इस तक बैठी हैं भाई, मैं नहीं बैठ सकती. मुझे पता है मुझसे, मैंने भाग दौड़ करनी है, मुझसे जंग में दौड़े लगवा लो, इंटरव्यूज़ करा लो, इमरजेंसी सिचुएशंस कवर करा लो, धमाके कवर करा लो, मैं वो उसमें ठीक हूँ. तो आई शुड गो एंड डू दैट. आई शुड नॉट बी सेइंग इसको उठाओ और मुझे बिठा दो उसकी जगह. देयर एंड देन प्रॉब्लम कम्स. जो आपका काम है वो ज़रूर मांगे. अगर आपका काम किसी और को दिया जा रहा है आप उस पर एहतजाज भी करें, आपका हक बनता है. लेकिन बच्चियाँ, जो मैं इंसिडेंट सुनती हूँ, मेरी अपनी भी बेटी है 12 साल की, मुझे मैं उसको भी नहीं वॉर फुटिंग्स पे ट्रेन करती हूँ कि आप अगर स्कूल में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे आप तैयारी करें, कभी एक्सप्लॉइट नहीं होना. क्योंकि लड़कियाँ मेरा ख्याल है प्रोफेशन में आने से बहुत पहले से एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाते हैं. और वो होता है उनका यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल. हमने इंसिडेंट्स भी सुने हैं, टीचर ग्रेड्स के चक्कर में एक्सप्लॉइट कर लिया. अगर कोई क्लास का सीआर है तो उसने एक्सप्लॉइट कर लिया. इस तरह आई थिंक बहुत पहले से हरासमेंट शुरू हो जाती है. तो मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे अच्छी बात तो बहुत है कि इन्होंने स्ट्रेंथ दी, मगर कल से सोनिया मेरे साथ हैं तो मैं एक शील्ड पहनूंगा जो आप उस पे पहनते हैं. मैं तो आपसे हो गई हूँ, और अब मैं ये हर टाइम डॉज कराता रहूंगा, कहीं से भी आ सकते हैं सीधे हाथ करते हैं. एक और चीज मुझे बताएं कि जब आप वॉर पे भी जाने लगती हैं बीइंग अ वुमन, कभी ये सोचा है क्या पहन के जाऊं? नहीं नहीं कभी आया है मैचिंग वाली होनी चाहिए, अरे ये ब्लैक वाला नहीं चाहिए, ये गंदा हो जाएगा वॉर में, दूसरा कलर. मैं अभी भी असाइनमेंट से आ रही हूँ और सीधे आपके प्रोग्राम में आके बैठी हूँ. हो सकता है मेरे कपड़ों पर, कोट पर डस्ट भी पड़ी हो बहुत सारी, और जूतों पे अभी भी है. तो आई थिंक अब वो आप उस टेंशन उस फिक्र में से निकल आते हैं. अच्छा, तो जब आपको एक पता है कि आपका फोर्टे क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है. और मैं अलबत्ता कपड़े ऐसे, अभी काबुल में भी आई हैड टू वेयर अ मैक्सी शुरू में, एज अ वर्स्ट केस सिनेरियो के नई रिजीम है, नए लोग हैं, गो कि अब उनको भी परवाह इतनी नहीं है कि किसी लड़की ने, रिपोर्टर ने बुर्का पहना है, अबाया लिया है नहीं. तो उस वक्त भी मेरी कोई 25 किलो की भारी तो वो बुलेट प्रूफ वेस्ट थी. और वो हंस रहे थे तालिबान सारे. मैंने ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट के बाहर तो मुझे जगह सही नहीं मिल रही थी, और मुझे बी पर अपना देना था तो मुझे जगह चाहिए थी कि थोड़ी हाइट वाली जगह मिल जाए तो मैं ज़रा नीचे वो दिखा दूँ ब्लास्ट वाली जगह. तो मैंने उन्हें कहा मैंने इस कंटेनर पर चढ़ना है. तो वो मुझे सर से पाँव तक क्यों देखे, पश्तो में मुझे कहते हैं, पश्तो में कहते हैं कि तुम अपनी हालत देखो, तुमने हेलमेट पहना हुआ, इतना भारी वेस्ट पहनी है, तुम कंटेनर पे कैसे चढ़ोगी. मैंने कहा एक काम करें, सिर्फ मुझे कुर्सी ला दे, मैं चढ़ जाऊँगी. तो जब मैं ऊपर चढ़ी तो सारे तालिबान ने तालियाँ बजाना शुरू कर दी और हंस रहे हैं. तो बाद में मुझे कहते हैं तुमने अपना ये बुर्का कैसे संभाला, जैकेट कैसे संभाली, और तुम कैसे चूहे की तरह ऊपर चढ़ी हो. दे आर वेरी सिंपल इन लैंग्वेज. तो मैंने कहा अगर हम चूहे की तरह चढ़ना ना सीखें तो फिर हमारा काम धरे का धरा रह जाएगा. देन दे वर वेरी लविंग, वेरी रिस्पेक्टिंग. और फिर उन्होंने मतलब मैं विदाउट रीज़न आई वोंट डीमनाइज देम. जी. तो जब मैं अपना रिकॉर्डिंग करके जब तक थी तब तक भी वो मेरे इर्द गिर्द रहे फॉर सिक्योरिटी पर्पज़. बल्कि उन्होंने अमेरिकन्स को भी, नीचे अमेरिकन सोल्जर्स खड़े थे उस बीपर में,
मे बी आई हैव अ क्लिप ऑफ दैट पीपल, तो उनको भी वो कहते हैं उधर मुंह करो हमारी लड़की काउंट तो बहुत, लेकिन मतलब मैम इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन सिनेरियो आप देख लिए, मगर उसको इतना हंस खेल के बता रही हैं। और तो कपड़ों की आपकी जगह मैं होती तो मैं जरूर सोचती मेरा ब्लो ड्राई नहीं हुआ हुआ, मैं जंग में नहीं जा सकती। देखिए भाई ऐसा करें, आप जो दो हजरत नीचे खड़े हैं जरा ये हेयर ड्रायर लेकर आएंगे और मेरे मेरी आईब्रोज नहीं बनी, मैं जंग में नहीं जाऊंगी। नहीं मेरी हालत वाकई में, इफ आई हैव दोस क्लिप्स आई विल शेयर, यू कैन शो इट टू देम कि वो वहाँ से आपको यकीन आ जाएगा कि 72 घंटे मुझे हो गए थे मुसलसल जागते हुए। और मैं जब सोने लगी थी तो मुझे कॉल आई कि अमेरिकन एम्बेसी जर्नलिस्ट को लेके जा रही है एयरपोर्ट पे, विड्रॉल से 3 दिन पहले की बात है ये, क्योंकि करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो मिलिट्री बेस साइट थी वो अमेरिकन के अंडर थी इवैक्यूएशन के लिए। तो मैं लेटने लगी तो फिर मैं उठी और उन्हीं कपड़ों में मैं भाग गई। तो फिर मतलब हमारी रिकॉर्डिंग अगली सुबह शुरू है। आपका फैशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैम हमारे पास एक सेगमेंट है जिसमें फैशन से जो है ना हम थोड़ा सा आपका लेना देना करना चाहेंगे, ताल्लुक बनाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वॉर में जाएं आपको फौरन हमारा सेगमेंट याद आएगा और आप कुछ ऐसा पहनेंगे। क्या पता कि आपके दिमाग में बात आ जाए। आज मैंने और सोनिया ने एक इत्तेफाक हुआ कि हमारे कपड़े मैच कर गए बिल्कुल, और गेस्ट भी जो है हमारी वो भी ब्लैक में आई है। वैसे आपने किस ब्रांड का पहना हुआ है? मैंने ये गुमनाम है ब्रांड, लेकिन मैंने सैम एंड डिम्पल का पहना हुआ है। थैंक यू सैम एंड डिम्पल इतना खूबसूरत आउटफिट देने के लिए। बाय द वे हमारे पास जो सेगमेंट है टैलेंट टच हमारा, हम चाहेंगे कि व्यूअर्स हमारे जरा जाएं उस सेगमेंट की तरफ और देखें। एक फैशन शो हमने कवर किया है, वहां पे हमें काफी सारा टैलेंट देखने को मिला है, टैलेंट अपकमिंग टैलेंट, और साथ में हमने उनसे काफी सारी बातचीत भी की है। तो मेरे ख्याल से हम चाहते हैं ब्रेक में और व्यूअर्स जो है वो जाएं जरा फैशन इंडस्ट्री को एंजॉय करें। लेट्स टेक अ ब्रेक।
ओके जी, वेलकम बैक टू एटीवी लाउंज विद मी एंड सोनिया। और अभी आपने विटनेस किया जो हमारा सेगमेंट था टैलेंट टच का, उसमें जानान फैशन शो था ये, और इसमें आपने देखा कि अपकमिंग राइजिंग मॉडल्स जो हैं उन्हें रैंप वॉक की और बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, और इट्स बीन वेरी वेल शॉट, और उसमें जो बातें थी और मनाजर थे वो भी बड़े मजेदार थे। आपको कैसे लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो हमारे जो यंग और टैलेंटेड लोग हैं exactly. और जब ये स्क्रीन के ऊपर आते हैं विद कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत खुशी होती है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बस सिर्फ उनको चुकने की देर है। चुकने, उनको चुक लें आप एक दफा और चुक के कहीं पहुंचा दो तो बढ़िया हो जाए। इतनी पंजाबी नहीं आती, इतनी पंजाबी चुकने तक ही रहेंगे हम लोग, चुकने तक रहेंगे, छोटे छोटे लफ्ज। अब आप देख लें पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, आप बहुत ज्यादा चुक लिया है, एटीवी ने चुक लिया है हमें। वेल जी, ये गपशप हो रही है मगर हमने क्या है, मैंने पहले भी सुनिया आपसे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि सवेरा से हम बात करें उनकी ज़ाती जिंदगी के बारे में, पर्सनल लाइफ में, मगर प्रोफेशनल लाइफ इतनी एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग है कि बार बार ध्यान वहाँ चला जाता है। exactly, मैं चाहती हूँ और पता चले। और मैंने तो यू नो मेरी तो बस मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं ऐसे नहीं, मेरे अलावा ये किसी से ज़्यादा होती, बस समझ लें आप लोग। लेकिन मैं बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होती हूँ, लेकिन मेरे कुछ ना वो हैं, कुछ यू नो कंडीशंस होती हैं इम्प्रेस होने के लिए भी ना। सो जो पैरामीटर्स हैं बेसिकली, उसमें बहादुर होना बड़ा ज़रूरी है, और उसके अंदर आप जो है ना फुल टाइम उतर गई हैं, और मेरा दिल चाह रहा है कि अब जब नेक्स्ट टाइम आप वजीरिस्तान में हो ना तो मैं भी आपके साथ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऑर्डर कर दूँ बुलेट प्रूफ वेस्ट और मैं इम्प्रेस करने की, मैं खैर नहीं जाना चाहता। आप कुछ भी कर लें, आप पैरामीटर्स समझ आए। अच्छा जी, अच्छा मैं नहीं कुछ ना बोले, आप भूल गए स्क्रिप्ट, मुझे बोल दे, सॉरी। मैम मुझे ये बताइए कि जब आप ट्रैवल कर रही होती है ना, टूवर्ड्स वॉर जा रही हैं या किसी काम से जा रही हैं, दरमियान में तो रास्ता है, उसमें आप सोचती हुई जाती हैं या म्यूजिक सुनती हुई जाती हैं अपने आप को कुछ डिस्ट्रैक्शन के लिए, थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा यू नो बूस्ट अप करने के लिए, म्यूजिक वगैरह सुनती हैं आप? हाँ मैं म्यूजिक ही सुनती हूँ, और मेरी सारी कलेक्शन पश्तो म्यूजिक की होती है। अच्छा, मतलब वॉर हो रही होती है, पीछे से हमारे यहाँ चल रहा होता है बैकग्राउंड, टिंग 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 टिंग। मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं करण खान हैं, हारून बादशाह हैं, ये सब पख्तून सिंगर्स, ये पख्तून सिंगर्स हैं, एंड दे आर लव्ड सिंगर्स, लाइक दे आर सेलिब्रेटेड सिंगर्स अमंगस्ट पख्तून। और फिर मैंने चुन के रखे होते हैं उससे ही डस डस वाले गाने होते हैं, ऊंची आवाज वाले, तो वो फिर फर्क नहीं पता। अब हमें पता चला ट्रिक क्या है, ये डस डस वाले गाने सुनने के बाद जब डस डस होती है तो पता नहीं चलती है गाना लगा हुआ है नहीं। और वो मेरे अक्सर जो साथ अगर टीम, वैसे मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, आदत पड़ गई है, अपनी ही गाड़ी मैंने ड्राइव करनी होती है। लाइक अगर अफगानिस्तान जाना है तो अब मुझे इतनी आदत पड़ चुकी है कि पहले बायर ट्रैवल करते थे हम, और बहुत अब इस पूरे साल डेढ़ साल में बाय रोड इतना ट्रैवल किया है तो तुरखम तक मैं अपनी गाड़ी खुद लेके जाती हूं। आप ऐसे कहती हैं कि मैं यहीं तक जा रही हूं बस अफगानिस्तान तक, वैसे होता है यही है। ये काबुल से तो बात लगा के आ गया, और कहां जा रही हूं, बस यहीं तक अफगानिस्तान काबुल तक। नहीं वाकई में होता है ऐसे ही है, और पहली मरतबा बहुत वियर्ड लगा मुझे, क्योंकि जब मैंने गेट क्रॉस किया पीछे मुड़कर देखा तो बड़े भाई साथ थे मेरे, तो उन्होंने गाड़ी वापस लेके आनी थी, तो अब उनकी ना मुझे दूर से भी फील हो रहे हैं ना कि अब बंदे की आंखों में आंसू आए हैं, तो मैं चली गई। बाद में फ़ोन पे मुझे कहते हैं बंदा वैसे इतना भी बेशर्म ना हो, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, मैं रो रहा हूँ, और तुमने मुझे इतने आराम से कहा अच्छा ठीक है जाए दूर से भी। मैंने कहा इट्स आर लाइफ, लाइक वी हैव टू बी इन दैट। तो फिर उसके बाद अब ये होता है कि तोरखम तक हम जाते हैं गाड़ी, या वहीं हम अपने कस्टम ऑफिस में खड़ी कर देते हैं, वापसी पर गाड़ी ले लेते हैं। अच्छा मैम एक बात बताएं, जहाँ आप जाती हैं जैसे काबुल या तुरखम या कलाम कहीं पे भी, तो वहाँ का एक फूड होता होगा ना, स्पेशलिटी होती है ना, कहीं की दाल मशहूर है, कहीं की कढ़ाई मशहूर है, वहाँ का कौन सा ऐसा फूड है जब आप जाएं तो आप वॉर के दरमियान भी सोचती होंगी कि खत्म हो जाए बॉम्बिंग फिर जाके वो खाऊंगी। दिस इज ट्रू। वैसे काबुल के और पाकिस्तान के खाने तकरीबन सेम। अच्छा, नान फर्क होते हैं ना, नान वो लंबे लंबे बड़े बड़े सारे ऐसे होते हैं, और हमारे ऐसे खाए हुए सारे खाने ऐसे पूछती हैं, नहीं वो चीज ही इतनी कोई जबरदस्त है। आई डोंट नो, मे बी कोई वहाँ पे कोई रेसिपी अलग फर्क होगी उनकी के। अच्छा हम तो छाबी में नान रखते हैं ना, रोटियां लपेट सपेट के मेहमान के आगे, वो एक दस्तरखान फैलाते हैं और हर बंदे के आगे एक एक नान बड़ा रखते जाते हैं, लाइक इफ यू वॉन्ट मोर तो वो मोर विल बी सर्व्ड, बट वो नान रखा जाता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम किसी के घर जा रहे हैं तो काबली पुलाव, और वो तो स्पेशलिटी है ना उनकी। अच्छा उसके अलावा दे सर्व यू विद हाई क्वालिटी लैम्ब मीट,
लैम का या दुम्बा या बकरा वो जो आप लोग खाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा है। मैं गोश्त खाती नहीं हूँ, तो मेरा वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजारा होता है। काबुल में एक बहुत मशहूर फास्ट फूड है, आई एम जस्ट मिक्सिंग अप इट्स नेम, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल कराची स्टाइल की बिरयानी, चिकन। हाँ, अच्छा। डोंट थिंक कि काबुल कोई बैकवर्ड इलाका है। इफ यू गो देयर यू विल बी जस्ट लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ द सिटी। इट्स सेकंड पेशावर टू यू। अच्छा, पेशावर क्वेटा की आपको बहुत लुक्स आते हैं। पहाड़ियाँ भी है ना इसके सराउंडिंग्स में? नहीं, पहाड़ जो है वो उस साइड पे आता है, बगराम साइड पे, पकमान, लाइक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से नजर आता है आपको कि पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ऐसा ही है जैसे इस्लामाबाद इज सराउंडेड विद मार्गलाज। तो इट गिव्स यू कम्प्लीट फीलिंग ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उनका सिर्फ एक फर्क है हमसे कि वो मुठियां भर भर के मसाले नहीं फेंकते खाने। अच्छा, ज्यादा स्पाइसी नहीं होते, लेकिन उनका खाना इतना लजीज होता है कि लाइक मुझे मेरी टीम जो कि जाहिर आदि नहीं थे हल्के मसाले के, तो वो कहते थे कि तुम्हें अगर ये लोग चाय और नान भी देते रहे ना तो उस पर भी पल जाओगे। मैं एक वहाँ पर पाकिस्तानी अंदाज में सिर्फ एक कमी है कि हमारी चाय नहीं मिलती, क्योंकि काबुल में कहवा चलता है, वो चाय नहीं पीते, गुड़ के साथ कहवा। अच्छा, बिरयानी भी तो नहीं होती क्या? बिरयानी में आपको ये बता रही थी, वहाँ पे बिरयानी फास्ट फूड वी कैन फाइंड, मेरे कॉलीग थे अनस, उन्होंने मुझे वो जगह बताई थी, क्योंकि पाकिस्तानी बिरयानी के बगैर रह नहीं सकते। और द इंटरेस्टिंग थिंग इज के वो बहुत से लोग कहते हैं बिदत हो जाएगी, लेकिन वो भी बिरयानी में आलू डालते हैं, बहुत मजे की होती है, इट्स रियली लाइक डिलीशियस। आप खुद पकाती हैं जब घर में आप मौजूद होती हैं कभी आप? हाँ, मुझे कुकिंग सारी आती है, मगर मेरा इतना भाग दौड़ का काम होता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं बच्चों के स्नैकिंग के अलावा मैं को बहुत भारी भरकम खाने बहुत अर्सा हो गया नहीं बनाई, क्योंकि आपकी फील भी ऐसी है कि टाइम जरा आपको कम ही मिलता होगा। लेकिन कभी कोई फरमाइश होती है कि हांडी लगा के अब कि मैं काबुल से होके आ रही हूँ, ये दम पे वापस आ रही हूँ, चूल्हा बंद कर देना, मतलब वो मुझे खुद इतना अर्सा हो गया घर का खाना खाए हुए प्रॉपर। अच्छा, कि कभी हम कहाँ होते हैं पूरे दिन, कभी कहाँ होते हैं, घर का खाना बहुत कम नसीब होता है। तो ये बताइएगा कि जब फिल्म्स देखने में इंटरेस्टेड होती हैं या फिल्में भी इस तरह की देखती हैं, एक्शन ओरिएंटेड, वॉर या लाइट फिल्म्स देखती हैं? मुझे वैसे अच्छी लगती हैं थ्रिलर्स। अच्छा। और फिक्शन बेस्ड अच्छी लगती हैं। मैम, फिर तो आप किटी पार्टीज में भी नहीं जाती होंगी? नहीं। आप बॉम्बिंग पार्टीज में जाती हैं? बड़ी कंफ्यूज हो रही हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या, मैं समझ नहीं सकता है ना, लोग बातें करते होंगे ब्रांड्स की, बॉम्ब की वो वाली पिस्टल पता है तुम्हें उसमें कितनी, वो जो इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, 2.5 ग्राम का बॉम्ब बिल्कुल ऐसा ही है। द फनीएस्ट थिंग के पूरे मैं यूट्यूब भी मेरा डिफेंस पर ही है, मैं यूट्यूब चैनल पर जो करती हूँ वो भी डिफेंस के, जेट फाइटर्स, टैंक्स, गन्स वगैरह, और सबसे वो मतलब वो वीडियो जिसने मिलियन व्यूज क्रॉस किए हैं वो मेरी थी दरा आदमखेल से ऑन गन्स। तो वाहिद वो जो बाजार है पूरा, जी जी ठीक है, वो पूरा बाजार है, तो पीपल लाइक्ड इट सो मच, और वो मुझे उसमें लिखा हुआ नीचे सब पठानों ने, मेरे अपने बरादरी वालों ने, कि पाकिस्तान के पख्तूनों का ना तुमने दिल जीत लिया ये वीडियो वहाँ से बना के। You are right. Like I'm not a normal. आपको आपके हस्बैंड गिफ्ट में क्या देते होंगे? आज ये देखो ये बनी नई क्लेशन को फाइए ये आपको। केक में भी गन्स बनी होती होंगी। ये पता नहीं मेरा पैशन है और मतलब क्रेडिट। हस्बैंड आपके बड़े डरे रहते होंगे। बंकर में बना के। नहीं मैं चले। I wanted to talk about it. लेकिन never to spoil your good mood and happy mood, but my husband passed away 5 years ago. तो अलबत्ता मेरे बच्चे वही करते हैं जो आप बता रही हैं। वो अगर कुछ चीज़ देते हैं तो it's kind of related to defense. क्योंकि उनको पता है आपका interest जो है ना। हाँ। तो ये वाली। तो वो दोनों बच्चे मेरे ऐसे हैं। वो कोई gift भी ढूंढते हैं ना तो कहते हैं कि अच्छा कोई उनको भी, वो मेरी बेटी जो है शी इज़ वेरी डेलिकेट सिविलाइज लाइक माई एल्डर सिस्टर, तो वो कहती है कि अच्छा मम्मा तो इस तरह के कपड़े नहीं पहनती, अच्छा मम्मा को कोई हाई नेक स्वेटर ले लेते हैं। मम्मा इसी में खुश हो जाएंगी, उस पर भी कोई गन शन बनी हो तो ज़्यादा खुश हो जाएंगी। वो इस टाइप की है ना, वो कहते लाइक पीपल अराउंड मी दे नो कि अब मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है। सो मैम, कभी खुद से ऐसा होता है ना, कोई गाने का होता है कि बंदा जब
मी टाइम होता है आप मी टाइम में क्या करती हैं? कोई गाने गुनगुनाती हैं, कुछ पढ़ती हैं, या कोई नया बॉम्ब बनाने की तरकीब सोचती हैं? यार मैं ये सोचती हूँ कि डेंजल वॉशिंगटन इक्वलाइजर 3 कब बनाएगा तो मेरा इस तरह का होता है. बुक्स मुझे बहुत पसंद है. मुझे प्री पार्टीशन बुक्स पढ़ने का बहुत मेरा एक क्रेज है. आपने खुद लिखा है कुछ कभी? Probably sooner I'll start writing बिल्कुल एक सजेशन है, आपको जरूर लिखना चाहिए, जरूर लिखना चाहिए आपको. बिल्कुल ये सारी चीजें मुझे सोच में पिछले दिनों यही हमारे जो डीजी हैं PAYF के, बल्कि वो उनके मेरी एक बात हो रही थी कि unfortunately पाकिस्तान was फ्रंट लाइन कंट्री इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन जो वाकयात हम 2000 अहेड कवर करते आ रहे हैं, 2001 जो ट्विन टावर्स 11 सितंबर हुआ सारा, और फिर अफगानिस्तान इमीडिएट नेबर, वो तमाम तर वाकयात ऑन बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान अभी तक उनको तहरीरी शक्ल में नहीं लाया गया. True. कि पाकिस्तान कितनी तकालीफ से गुजरा है. तो देर एंड देन वी डिसाइडेड के वील स्टार्ट दिस स्टोरी टेलिंग. हमने एक सीरीज भी शुरू की द स्टोरीज वी लिव बाय, उस नाम से हम बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को, वो अपना बताते हैं, एक तरह से एक याददाश्त हम ब्रॉडकास्ट शेप में बना रहे हैं. मैं आपको ये सजेशन इसलिए दे रही हूँ कि हमारे यहाँ जो ख्वातीन इस वक्त जो देख रही हैं, मैं एक चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, ये बात मैं बड़ा ओपनली कहना चाहूँगी, पहले से माजरत इस चीज़ को कहने से पहले माजरत कर रही हूँ कि हमारे यहाँ ख्वातीन विक्टिम कार्ड बहुत प्ले करती हैं. हाय ये हो गया, हाय यूँ हो गया, मतलब हाय हाय करके अपने आप को मज़लूम साबित करना. आई मीन व्हाई, क्यों? तो आप जैसी जो ख्वातीन हैं वो दिखाएं कि देखो मेरे साथ भी तो क्या क्या हुआ है, तो मैं भी तो खड़ी हूँ वॉर में, पीछे बॉम्बिंग हो रही है, क्या क्या हो रहा है, बुलेट्स चल रही हैं, मैं कंटेनर पे जाके कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हैं. तो मेरा ख्याल है आपको वो बुक लिखनी चाहिए और उसको पब्लिकली ना फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और हर खातून को बल्कि उसको सिलेबस में ऐड करना चाहिए कि पढ़ें, ताकि जो आपने भी बताया कि इंडियंस ने क्या किया था, छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में क्या भरना शुरू किया था, प्रोपेगेंडा किस तरह से किया. तो हमें भी चाहिए कि जब बच्चियाँ छोटी हों ना, उनको छोटेपन से ही हम उनके जहन में वो उनकी प्रोग्रामिंग इसी तरह करें कि वो विक्टिम कार्ड प्ले ना करें, और जेंडर वो ना रहे कि ये लड़का है या लड़की है. इट्स अ सजेशन सबके लिए, जो भी आजकल को एजुकेशन हो या आप लड़कियों का स्कूल हो या बॉयज का स्कूल हो, बिल्कुल छोटेपन से उनके जहन में, क्योंकि वो उगते हुए पौधे हैं. बिल्कुल. तो अगर आप उगते हुए पौधों को, जैसे आप मनी प्लांट होता है, जहां भी आप उसे मूव करते हैं वो अकॉर्डिंगली वही मूव कर जाता है, लाइकवाइज हमें बच्चों के जहनों में भी वही पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी, तब जाके आप जैसी हर घर में पैदा होंगी. और बहुत जरूरी इसलिए है कि मेरा नहीं ख्याल कि औरत की जो क्या कहना चाहिए, औरत को बस औरत बना, ये जो ये जिन्स हमने औरत को एक थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज, या हमने सिर्फ इसलिए रख लिया कि अच्छा मेरे साथ कुछ कोई हैंकी पैंकी होगी तो मैं कहूँगी कि मैं रोना है नहीं. मैं अपनी बेटी से भी कहती हूँ कि रोने का काम कभी भी नहीं करना. रो कर आप, अब द एज वी आर लिविंग इन, आप आजमा कर देख लीजिए कभी, इफ़ instead of Allah Pak, if you cry in front of someone, they're definitely going to exploit you. And this is for sure. बहुत बड़ी बात. आप लड़का हो या लड़की, regardless of gender, अगर आप किसी के आगे रो पड़ेंगे ना, तो एक सेकंड के लिए सामने वाले को अपने अंदर एक वो फिरौनियत जरूर महसूस होती कि अच्छा the person, सही बात कही आपने, the person decomposed in front of me. It's he or she is gullible right now. They are vulnerable. वनरेबिलिटी में कभी भी खुद को नहीं लाना चाहिए. हमारी वो जो एक खुद मुख्तारी की एक इनिबिशन है वो खत्म हो जाती है. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रख दिया आपने सबके सामने. लीव दैट स्पेस, आप वहां से उठ जाएं, आप वॉकआउट कर जाएं, लेकिन आप अकेले में जो मर्जी करें, किसी के सामने अपने आप को डीकम्पोज ना होने. बहुत ही खूबसूरत बात की है. और आपने कुछ फील किया मैम के आने से? कुछ मेरे अंदर भी ना कुछ वही जज्बात उभर गए मेरे अंदर. मैं खुद भी कुछ इस किस्म की हूँ थोड़ा, यू नो. मेरा पीछे भी मेरे साथ ये भाई सारे थे, और खुद ही भागना करना, गाड़ियाँ धोना, भाइयों के साथ बैठ के सारी चीजें. सो मैं खुद भी क्योंकि इसी तरह से हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं भी जरा चौड़ी हुई महसूसमेंट आई आपको कि नहीं बातों में एक नया लव्स भी कॉइन कर लिया, महसूसमेंट. इसी महसूसमेंट में मुझे एक और महसूसमेंट आ गई ख्वातीन हज़रात के, अभी महसूस करते करते वक्त हुआ जाता है, जिस तरह सुनने देती है हमारे स्टार का, नहीं ब्रेक का वक्त हुआ जाता है. वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने सुना मजेदार सा गाना, और हमने यहाँ पर
ऑन एयर एंड ऑफ एयर, वैसे तो हम ऑन एयर माशाल्लाह काफ़ी सारी बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन ऑफ एयर भी मैम से गपशप का सिलसिला जारी और सारी है। और मैम वैसे जितनी इंटेलेक्चुअल है ना, अंदर से उतनी फ़नी भी हैं। मज़ा आ रहा है मैम से बात करते हुए ना, मतलब आपको लग नहीं रहा कि यहाँ कोई जर्नलिस्ट बैठे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई एक टैलेंट का पोटला मौजूद है जिससे आप हर सवाल कर सकते हैं और आपको हर जवाब मिल सकता है, हर चीज़ का जवाब। तो मेरे ख्याल से हम एक ना रैपिड फायर राउंड भी खेल ही लेते हैं मैम के साथ, देखते हैं कि एक इन सारी बातों का मैम क्या जवाब देती हैं। खाना खजाना और उसमें हम गाजरों के बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हमने बहुत सारी गाजरें इकट्ठी की हुई है। अगर इतनी नेकी करें तो उसका हलवा बना के खिला, चलें ये भी अच्छा है, ये भी अच्छी बात है। सो आप तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? आप ऐसे बैठे हैं गन निकाल आपने इतना तैयार कर दिए। चलें पहला सवाल, अगर आप जर्नलिस्ट ना होती तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करती? बैंकर, डॉक्टर, एक्टर या हाउसवाइफ? बैंकर, क्योंकि मेरी स्टडीज कॉमर्स की रही ग्रेजुएशन तक, तो गालिबन अम्मी की ख्वाहिश थी कि बैंकिंग की तरफ। बड़ा जल्दी जवाब दे दिया, दिखाएंगे मुझे लगा हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। आपको दिखाऊं मैं? मुझे मुझे प्लीज दे दें। अच्छा चलें ले लें, हमारा रैपिड फायर है मगर हम बिल्कुल रैपिड नहीं। अच्छा जी, अब आपसे सवाल ये है कि अगर आप लॉटरी जीतती हैं तो उसका आधा शेयर, आधा तो आपके पास रहेगा, आधा शेयर आप किससे शेयर करना चाहेंगे? दोनों बच्चों को। अभी मैं पूछती हूँ ऑप्शंस हम देंगे मैम, और फैमिली, कम्युनिटी, जर्नलिज्म के अंदर री इन्वेस्ट करना चाहती हैं ताकि वो ग्रो करे, फ्लरिश करे, या फिर मेरे साथ? मैं अपने बच्चों को दे। आप मेरे कुछ चांस नहीं, मैंने डाली थी, मैंने कहा क्या बता, खैर चलें शायद आप थोड़ा बहुत उनको दे दें। गरीब उन्हें कुछ प्रोड्यूस करनी है। हाँ तो मैं ढूंढ रहा हूँ इस तरह के सवाल कर करके, मैं लोगों से पैसे इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ। मैम अगर आपको गाना गाने का मौका मिले तो आप कौन सा गाना गाना चाहेंगी? लाइक क्लासिकल गाना चाहेंगी, पॉप गाना चाहेंगी, कोई रोमांटिक सॉन्ग प्रेफर करेंगी या फास्ट? जो भी उस पर हथे चढ़ गया, जो भी मौका, जो भी मतलब, लेकिन कोई भी। क्योंकि मुझे पता है मौका नहीं मिलेगा इन वोकल कॉर्ड्स के साथ, तो जो भी हथे चढ़ गया, जो भी, जो भी। हाँ। अच्छी बात है। नेक्स्ट दिखाएं जी मुझे, ये जो हमारे इंटेंस सवाल आते हैं यहाँ से पूछते हैं। अच्छा, आप ज्यादा जिंदगी में अवार्ड में बिलीव करती हैं या रिवॉर्ड में बिलीव करती हैं? रिवॉर्ड। ओके, और इसकी कोई वजह है? इसकी वजह यह है कि अवार्ड जो है वो आई थिंक फॉर द टाइम बींग आपको मिल जाते हैं, लेकिन रिवॉर्ड को मैं थोड़ा स्पिरिचुअल लेती हूँ, सस्टेन भी चीज करती हूँ। इट्स समथिंग दैट कम्स फ्रॉम अल्लाह पाक, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियल गेन्स एंड लॉसेज। रिवॉर्ड आपको हमेशा अल्लाह की ज़ात देती है, लाइक आई सेड अर्लियर, तो मुझे हमेशा अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड मिलती है। रिवॉर्ड में। मैम अगर आपको एक मौका मिले कि आप वॉर जोन में जाने वाली हैं और एक सेलिब्रिटी को अपने साथ ले जा सकती हैं, तो चार ऑप्शंस हैं कि आप किसको लेके जाना चाहेंगी? सारे हमारे अपने हैं, एहसन खान को लेके जाना चाहेंगी आप? आप तलत हुसैन साहब के साथ जाना चाहेंगी? माहिरा खान, मैंने एक्टर की बात की है। मैं माहिरा खान के साथ जाना चाहूंगा। आप या आप साहिर लोधी को लेके जाना चाहेंगी? एक्सप्रेशंस चेक करें। आई थिंक तलत साहब ठीक है। तलत साहब तक वो कह रही थी यहीं रुक जाओ। तलत हुसैन ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप अगर फर्ज करें कि मैं जीनी हूँ, ठीक है, तीन विशेज हैं आपके पास, कौन सी? आज अब लग भी जीनी जीनी से ही रहे, जीनी रहे। तो कौन सी वो तीन विशेज हैं जो आप चाहेंगे कि मैं पूरी करूँ या जीनी पूरी करूँ? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बच्चों पे नजर रखना कि इनकी पढ़ाई सही रहे। नैनी बन जाओ, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई होमवर्क ना करके देना लेकिन नजर रखना कि वो अच्छी तरह, जीनी कम नैनी होगी। और दूसरा ये कि मतलब पता नहीं मैंने कभी ख्वाहिशात के बारे में इसका मतलब कभी सोचा ही नहीं है। हाँ, कोई जहन में नहीं आ रही, एंड एवरीथिंग दैट कम्स टू माय माइंड दे रिवॉल्व अराउंड माय क्लोथ्स। तो मुकम्मल कंट्रोल चाहती हैं आप, मैं समझ गया कि आप चाहती हैं कि नहीं, वो मतलब उनके अलावा कुछ जहन में आ ही नहीं रहा। उनके लिए घर बना लूँ तो मैं सोचूंगी, बच्चों के लिए इससे पहले कि मैं दुनिया छोड़ के जाऊँ मेरे बच्चों के सर पर अपनी छत होनी चाहिए, उनका घर, एंड लाइक आई थिंक तीसरी भी उन्हीं के हवाले से ही होगी। मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमने इसमें देखी कि इमेंस लव और जो एक माँ का रिश्ता होता है, हम अक्सर बात करते हैं, वो नज़र भी आ रहा है, इमेंस लव फॉर हर किड्स के हर चीज़, तीनों ख्वाहिशात। हाँ, वो माँ तो है ना, मतलब ममता तो है ना, मतलब आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरी कोई ख्वाहिश है ही नहीं है, लाइक
कुछ सोच के भी जहन में नहीं आ रहा कि क्या मैं चाह रही हूँ। आप मेरे ख्याल से जिन्हें को कहें वापस आखिरी वाली ख्वाहिश में से वापस भेज दें, काफी है, दो काफी है, इसकी ख्वाहिश अंदर हो बाहर ना आने का। चलिए एक और सवाल, अगर आपको मौका मिले काम करने का फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगी कि ये मेरा हीरो होगा तो मैं फ्री में भी काम कर सकती हूँ? अब वो वाले ऑप्शंस नहीं है, अब आप अपने आप से देखिए, पास्ट और प्रेजेंट में दोनों में कोई भी आप, जो भी आपको मतलब जो भी आप चाहें कि जी ये होगा तो मैं फ्री में भी काम कर सकती हूँ। डेंजल वॉशिंगटन, वो तो मैं भी कर लूंगा, इज द बेस्ट, उसके आले दुआले भी कोई हीरो नहीं लग सकता, व्हाट आई बिलीव। एक्सप्रेशन देखे मैं आपके उस वक्त, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं भी अपनी फिल्म के लिए उसी को साइन कर देखूंगी, अब तो मुझे देखना पड़ेगा। यस, आपने वो देखी है 12 स्ट्रॉन्ग? नहीं, वो मार्क्ड है, समवन रिकमेंडेड दैट टू मी, लेकिन वो मैंने देखी, अफगानिस्तान बेस्ड ही है वो मुझे मार्क किया था व्हेन आई वाज इवन अफगानिस्तान, तो मुझे कहा था किसी ने कि वॉच इट एंड गेट बैक टू अस विद द फीडबैक। मैं खुद, क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इन सारी चीजों में, किस चीज में नहीं है आपका इंटरेस्ट ये बता दें आज, और जो आप इनको बताएंगी, जो हमारे आने वाले गेस्ट होते हैं ना, मुस्तफा का इंटरेस्ट वही हो जाता है, यहाँ तक कि जो खाना पकाने वाले भी कोई होते हैं वो कहते हैं जी मेरा भी इंटरेस्ट जो है वो खाने में बहुत है। मैं बस आप अपने कोहोस से बहुत कुछ सीख रहा हूं, ये अंदर वाली बातें यहाँ करने की नहीं है, हाँ, बस ये मेकअप रूम की बातें खाली। तो वेल, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि आप आ जाएं, आपने टाइम निकाला, आपने हमें पता चला कि रिसेंटली भी समा टीवी को ज्वाइन किया है, और अब इंशाल्लाह उनकी तरफ से यू विल बी रिप्रेजेंटिंग देम एंड द कंट्री लाइक ऑलवेज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो पहले तो बहुत शुक्रिया आने के लिए, सेकेंडली इट वॉज अ प्लेजर होस्टिंग यू, बिकॉज आपने इतनी मज़ेदार बातें बताई, इतनी मज़ेदार पर्सनैलिटी है आपकी, क्या हम लोग तो आपके साथ वॉर जोन में लाजमी जरूर जरूर, जरूर। मैं मुझे पहले से बताइएगा, मैं ब्लो ड्राई करवा के आती हूँ <मैं सब जगा। laughs> तुम जब वहाँ पे हेलीकॉप्टर से जब तक तुमने उतरना है ना, तुम खुद कहोगी इससे अच्छा मैं जूड़ा ही बना। लेकिन जोक्स अपार्ट, जरूर किसी वक्त मौका मिला तो हम आपको ज्वाइन करना चाहेंगे रिपोर्टिंग के लिए वैसे भी, या सामान उठाने के लिए, आप कह दें बॉम्ब शॉम लेके आ जाओ मेरे, हम आ जाएंगे। अब अल्लाह पाक जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इट्स लाइक डेडिकेशन टूवर्ड्स सोसाइटी। हमारा मेरा तो सिर्फ एक ही हमेशा बात होती है कि जिस प्रोफेशन में भी हम हैं, हम अपने मुल्क से ज़रूर लॉयल हैं। ये चीज़ मुझे कमी नज़र आती है अपने लोगों के अंदर, और यहाँ पे पेट्रियटिज़म, नेशनलिज़म, सब नेशनलिज़म की तरफ लोगों को कभी ना जाने दें। पख्तून, सिंधी, बलोची, हम लोग बहुत बाद में हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। आई थिंक वेर एवर यू गो, वट एवर यू डू, वट इन वट एवर काइंड एंड शेप एंड सॉल्ट यू आर रेंडरिंग समथिंग टू सोसाइटी, दैट शुड बी ब्लीडिंग ग्रीन। ओह, लेट्स ब्लीड ग्रीन, क्या बात की, बहुत अच्छी बात की है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमेशा की तरह आप इतना, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन आप इतना शुक्रिया अदा करें, मैम से दो चार सवाल और करते हैं मेरे ख्याल से, अभी आप इतना जल्दी मैम को क्यों खुदाफिस कहने पे तुले हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कहीं जाना वाने आपको, बुला रहा है, गाजर के हलवे की खुशबूएं आ रही है, खुशबू तो वही तो मैं बात करना चाह रही थी कि मैम को गाजर का हलवा बनाना आता है या नहीं आता। मुझे बिल्कुल आता है और मुझे अच्छा बहुत लगता है, मगर जैसे वो हम पख्तूनों के ऊपर एक बहुत हमेशा लतीफ़ा बनाया जाता है कि तुम पठान लोग जो सारी दुनिया का मीठा छोड़ सकते हो, लेकिन चाय में मीठा क्यों नहीं छोड़ते, तो वो चाय के मीठे के बाद इफ़ आई लाइक एंड लव समथिंग तो दैट इज़ गाजर का हलवा। और वैसे गाजर का जूस या किसी और फॉर्म में गाजर, सिर्फ हलवा। वैसे गाजर के बड़े सारे फायदे हैं, मुझसे आप जानते हैं गाजर के कितने फायदे हैं, बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, आंखें अच्छी हो जाती हैं, गुलाबी हो जाती हैं आंखें, अंधेरे में आपको नजर आने लगता है। वैसे ये तो मिथ है कि अंधेरे में, आपने कभी गाजर खा के अंधेरे में तो नहीं चला? नहीं, मैंने ट्राई किया था, मुझे चोट लग गई थी, लेकिन मुझे समझ आया कि ये भी मिथ है। ये मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मुझे यकीन था कि आपने ऐसा किया होगा। आपको पता है ना मेरी अकल का, लेकिन मैं हम अंदाजा हो गया मेरा ख्याल है। तो आपने देखा गाजर के कितने ज्यादा फवायद हैं, पता तो चल गया होगा आपको। मुझे लगता है कि हम अपने सीधा चलते सेगमेंट में खाना खजाना की तरफ, ठीक है? तो मैम को खुदाफिस करते हैं पहले, उसके बाद जो मैम शुरू हो गई है, मुझे लगता है वो कहीं कौन सी बुलेट आई है, कहाँ जाना है मुझे वॉर रिपोर्ट करने के लिए। मैम थैंक यू सो मच वंस अगेन, हमें बहुत अच्छा लगा, एंड मतलब हमारे पास अल्फाज नहीं है कि आपको किस तरह से अप्रिशिएट करें, सीरियसली आपको सराहने के लिए अल्फाज नहीं है इस वक्त हमारे पास। बहुत ही खुशी हुई कि आप जैसी खवातीन
आप जैसी खातून एग्जिस्ट करती हैं और पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और हम फ़ख्र करेंगे आपके ऊपर। मुझे नहीं पता हुकूमत आपको किस रिवॉर्ड से अवार्ड से नवाज के, लेकिन हमने जो है ना वो अपनी तरफ से अवार्ड दे दिया आपको। थैंक यू सो मच एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी। अवार्ड आते जाते रहते हैं, उस तरफ देखा ही नहीं है कभी, और बस सिर्फ ये ज़रूर मैं तवक्को रखूँगी कि जितना मुझे पाकिस्तान ने सिर्फ इस एक रिपोर्टिंग इन अफ़गानिस्तान की वजह से पूरे पाकिस्तान भर से जो मुझे दुआएं, प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त मिली है, दैट शुड कंटिन्यू। और अपने मुल्क के अलावा मैं आई डोंट वांट टू गेट डिट्रैक्ट इन एनीथिंग, अपने मुल्क की खिदमत हो और लोगों से इसी तरह इज़्ज़त मिलती रही। और मैं अभी दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे और हर घर में बेटा या बेटी आपकी जैसा पैदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। और मेरे ख्याल से अब चलते हैं सीधा गाजर के हलवे की जानिब या गाजर की जानिब। अब बुलाते हैं हम अपनी जो हमारी पसंदीदा शख्सियत है नायला, जो कि आती हैं और जब भी आती हैं तो किचन से कुछ ना कुछ लेकर आती हैं और उसके फायदे बयान करती हैं और कितने फवायद बयान करती हैं। हम यहाँ बैठ के यू नो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई एक चीज है उसके कितने फायदे हैं, मतलब गाजर के भी हैं, उसके अलावा जो साथ उसके पत्ते हैं, फिर उसका बीज है, हर चीज, मतलब वो एक एक चीज की डिटेल बताती हैं और इतनी खूबसूरती से बयान करती हैं और मुझे तो बड़ा मजा आता है उनके साथ हमेशा सेगमेंट करके। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, खाना खजाना बुलाते हैं नायला को और देखते हैं कि आज वो गाजर के बारे में क्या बताने वाली है। वेलकम बैक व्यूअर्स, मुस्तफा गाजर लेके बैठे हुए आप। अब एक्चुअली क्या है सोनिया, मैंने सोचा कि हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं तो भूख भी लगती है, आपको पता है कि शो होस्टिंग जो है ना लोगों को लगता है कि बड़ा आसान काम है, हमें भी भूख लग सकती है। और आपको पता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मुस्तफा तुम्हारी ये खूबसूरत बाल, ये तुम्हारे गुलाबी गाल, ये तुम्हारी चमकती हुई आंखें, इनका राज क्या है? तो मैंने कहा कि आज क्या है कि लोगों का दिलों को खुश कर देते हैं, बता देते हैं कि ये जो गाजर है ये है उस सब चीजों का राज। और रियली मतलब कि आप जो हैं वो फिटनेस एक्सपर्ट बन चुके हैं। जी मैं फिटनेस एक्सपर्ट भी बन गया हूँ, साथ में मैं ये चाहता हूँ कि आप हर चीज को साथ में बैलेंस करें। आजकल हम लोग अपने शो में बैलेंस करने की बात करते हैं तो मैंने कहा कि शो है उसमें बहाने बहाने से हम खा भी लेंगे और आपको इसके फायदे भी बता दें। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो सेगमेंट है खाना खजाना, इसमें हमारे साथ होती है नायला और नायला का आज का जो टॉपिक है वो कैरेट यानी कि गाजर से मुतालिक है। तो हम जरा सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपने बड़ा मजेदार टॉपिक चुना है गाजर। वैसे गाजर मुझे बहुत पसंद है और मेरा ख्याल है कि जो इसके फवायद हैं वो हमें लोगों तक जरूर पहुंचाने चाहिए, क्योंकि गाजर हमारे पास आती है 3 से 4 माह के लिए। बिल्कुल, बड़ा शॉर्ट पीरियड होता है। मैंने तो भी कहा कि सारी में खा लूं। बिल्कुल, और उसके बाद होती है कि गाजर तो पूरा साल रहती है, लेकिन ये वाली जो इंतहाई खूबसूरत कलर की गाजर है ये 4-5 माह हमें दस्तयाब होती है और यही सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ये कोई खास गाजर जी? बिल्कुल, ये मौसम की गाजर है। इसका देखिए कलर बहुत बिल्कुल रेड है। एग्जैक्टली, और बाद वाली जो होती है उसमें लगता है कलर वलर करके उसमें ऑरेंज हो जाती है, फिर गाजर व्हाइट भी होती है और गाजर पर्पल भी होती है और गाजर ब्लैक भी होती है। जो पर्पल कलर की गाजर होती है ना वो जिगर के लिए बहुत, लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है, टॉक्सिफाई कर देती है आपके लीवर को और बहुत सारी और भी हर गाजर का अलग फ़ायदा है। लेकिन ये जो गाजर है जो मौसम की गाजर होती है ये हर तरह से फ़ायदेमंद है। लाइक अगर कहते हैं ना कि आपको गाजर खाएंगे तो अंधेरे में भी नज़र आ जाएगा, ऐसा है, अंधेरे अच्छा में नज़र तो नहीं आता, लेकिन ये कहावत है। लेकिन इसका यह है कि अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं इसको तो इससे आपको आपके विजन बेहतर हो जाता है, आईसाइट बेहतर हो जाती है। और जैसे आजकल आप देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ग्लासेस लगे हुए होते हैं तो अब वो गाजर का जूस भी नहीं पीते, लेकिन अगर गाजर का जूस पीते हैं तो वो उनका पेट लूज़ हो जाता है या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो अगर इस तरह के छोटी एज के बच्चों को हम गाजर का आधा गिलास जूस और आधा कप दूध मिक्स करके पिलाएं तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, उनका विजन बहुत बेहतर होगा, आईसाइट, और सबसे बड़ी बात उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गाजर हमारी मेमोरी को भी बहुत दूध और गाजर का जूस, उसके अंदर कोई तीसरी चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं डालनी आपने, आप नाश्ते में दे दें स्कूल जाने से पहले। और ये इतना हेल्दी है कि गाजर का जूस आपको हमेशा पीना चाहिए 4 बजे से पहले। 4 बजे से पहले पहले, क्योंकि हम नाइट में पीते हैं तो ये डाइजेस्ट नहीं होता और ये वेस्ट हम कर देते हैं। फिर गाजर का जो पल्प होता है जो निकल जाता है, हम जूस निकालते हैं, वो पल्प जो है उसमें आपने ग्रीक योगर्ट आप 1 चम्मच ऐड कर लें और उसमें आप हनी डाल लें और उसको अपने फेस पे लगाएं तो जो ओपन पोर्स होते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन को आप यूँ समझ लें कि ये एक नेचुरल बूटॉक्स है। जो आंटीज़ हैं जो बूटॉक्स लगवाती हैं या कुछ इस तरह, अगर वो इसको पीना शुरू कर दें, इसको खाना शुरू कर दें, इसको लगाना शुरू कर दें,
इन्हीं चीजों से कितना कुछ निकलता है। कहते हैं ना कि आधा तो किचन में ही आपके इलाज मौजूद है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारा जो किचन है, ये मेरा बल्कि टैगलाइन समझ लें, हमारा ब्यूटी सैलून है। हमारा ब्यूटी सैलून इतना कुछ निकाल सकते हैं किचन से। अब एक हमारे पास आजकल बहुत बच्चियाँ आती हैं जिनका एक्ने का बहुत इशू होता है, बहुत एक्नी है, फिर उनका मंथली साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है क्योंकि सारा मसला उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस का होता है ना। खाली गाजर का जूस, उसमें आप कुछ ऐड ना करें, कोई किन्नो कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, सिर्फ खाली गाजर का जूस आप पीते रहें, आपका ये मसला जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है हल हो जाएगा, आपकी एक्नी हल हो जाएगी, आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे। मैं उनको ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि वो बड़े शौक से सुन रहे हैं। नहीं, मैं भी बहुत शौक से सुन रहा हूँ, मैं सुनने में मेरा रिसेंटली बड़ा इंटरेस्ट भर गया। अच्छा, जब से मैं सुनिए से मिला हूँ मैं भी थोड़ा ब्यूटी कॉन्शियस हो गए। तो ये होता है कि गाजर वाकई आपको खूबसूरत बना देती है। इसकी एक जिंदा मिसाल देखें, रैबिट कितना खूबसूरत होता है, आंखें भी चमक रही होती है, गुलाबी आंखें होती हैं। अच्छा, मगर ये तो बहुत से फायदे हैं, और जैसे आपने कहा कि इसको हर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सैलेड के साथ या अपनी पसंदीदा खाने के साथ। मगर ये जो कुछ अफवाहें होती है ना हर चीज को लेके, ये भी नहीं होनी चाहिए। अक्सर मैं जो है अंधेरे में चला जाता हूँ गाजर खा के और फिर टकराता रहता हूँ, तो इस तरह की चीजें से परहेज करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, गाजर इन सेल्फ इतना हेल्प नहीं करती आपकी विजन को बेहतर करने में। आप गाजर के जूस में एक पाव या एक गिलास गाजर का जूस ले लें, उसमें आप एक पाव सौंफ भिगो दें, वो फूल जाए, जी भिगो दें, जब वो फूल जाएंगे तो उनको आप साए में खुश कर लें। वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि साए में हम खुश करते हैं, कभी वो ख़राब हो जाता है, कुछ फंगस लग जाती है, तो उसका बड़ा केयरफुली उसको करना पड़ता है। उसको ड्राई करके उसको आप पीस लें, पीसने के बाद आप उसमें उतने ही जितना सौंफ है गाजर के बीज मिला दें, इन दोनों को पीस लें बराबर। पाउडर नहीं, बड़ा लंबा नहीं है, बहुत आसान है, और 40 डेज का है। उसमें वाकई नज़र ठीक हुई है, और ये मैंने अपने क्लाइंट को यूज़ करवाया है। फिर उसमें आपने डालना है मिश्री, मिश्री होती है ना, जी जी, वो उतनी मिक्स करें जितना आपको टेस्ट चाहिए, और सुबह आपने हार मुँह 2 चम्मच दूध में मिक्स करके पिए, और आप देखें आपका विजन, आपकी साई साइड काफ़ी इम्प्रूव कर जाती है। आप बता रही थी ब्रेक में कि गाजर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मीठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अचार में भी बनाया जा सकता है, खाने में पकाया भी जा सकता है, उसके फवायद भी इतने सारे हैं, और ये बड़ी ही मामूली सी चीज़ है। देखिए, गाजर एक वाहिद ऐसी सब्जी है, इसका आप हलवा बना सकते हैं, इसका आप सालन बना सकते हैं, इसका आप अचार बना सकते हैं, इसको आप पी सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं, इसको आप फेस पे लगा सकते हैं, इसको आप बालों में लगा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों का ध्यान इधर ज्यादा था कि इसके जो ये एंड है ये काफी स्ट्रांग है। हम यही सोच रहे थे, और मुस्तफा ने जैसे पकड़ी हुई थी तो मुझे लग रहा था तलवार की तरह पकड़ी थी मैंने। अच्छा, इसमें ना कैरेटिन बहुत ज्यादा होता है, बायोटिन कैरेटिन का ये एक मतलब बेस्ट सोर्स है, बायोटिन और कैरेटिन। अगर आप इसका जूस निकाल लें और उसको अच्छे से उसमें एलोवेरा जेल, सिंपल जेल, आजकल आपको पता बाजार, वैसे मेरी तो कोशिश ये होती है कि हम एलोवेरा का फ्रेश अपने पौधे से ऑर्गेनिक वहीं से, उस पर भी हम एक प्रोग्राम करेंगे, वो भी हम बताएंगे कि वो कौन सा पौधा होता है जिसे हम जेल ले सकते हैं। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करें और आप अपने बालों में लगाएं, और आप आधे घंटे के बाद बाल धोएं। आपको किसी आर्टिफिशियल कैरेटिन की किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज मच बेटर कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि अगर आप कैरेटिन लगाने के लिए या करवाने के लिए जब पार्लर जाते हैं तो हजारों रुपया खर्च करते हैं, लिटरली ऐसे ही होता है ना। और ये चीज आप देखें घर में इजीली अवेलेबल भी होती है, और कोई इतनी कॉस्टली इसका जूस है, आप थोड़ा सा निकाले जब पिए, थोड़ा साइड पे रख लें, उसको अपने फेस पे लगा दीजिए। एक्चुअली हमारे यहाँ लोगों को इतनी टाइम शायद नहीं होता या इतना पता नहीं होता, अगर वो हम उन्हें कुछ बताते हैं कि आपने लगाना है तो वो क्लिनजिंग किए बगैर अप्लाई कर देते हैं। तो CTM क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग जो है वो करके, मॉइस्चराइजिंग तो ना करें, ये लगा लें जूस या इसका जो भी है, आपने मास्क लगाना है, उसके बाद उसको वॉश करके आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजर लगाएं। अच्छा, सबसे पहले ये स्टेप्स फॉलो करने हैं कि क्लिनजिंग करनी, फेस वॉश करना है, क्लिनजिंग करनी है, मॉइस्चराइजर लगाना है, मॉइस्चराइजर एंड पे लगाना है। CTM जो होता है क्लिनजिंग टोनिंग, टोनिंग तो इससे हो जाएगी, तो मॉइस्चराइजिंग आप एंड कर, और फिर लगा के आप सो जाएं उसको, और फिर मॉर्निंग में उठ के रेगुलर आप अपना करें। एक्जेक्टली, आप देखें इतना जो पिगमेंटेशन है, ब्लेमिश स्किन जो है वो आपकी ठीक हो जाती है इससे। इवन के मैंने तो ये भी देखा है कि जो जख्म होते हैं ना, जो अक्सर होते हैं ना, कोई छाला बन गया, कोई जख्म बन गया, एब्सेस, वो ठीक नहीं हो रहा, हम इधर भाग रहे हैं, हम उधर भाग रहे हैं, सिर्फ इसकी प्योरी बना लें। प्योरी कैसे बनानी है, इसको स्टीम करना है, इसको पानी में पकाना नहीं है, आप इसको स्टीम करके इसको मैश कर लें, मैश करके जो आपका जख्म है उसके ऊपर लगा के ऊपर आप कोई चीज़ बांध दें, मतलब ये कम अज़ कम 1.5-2 घंटे वहाँ लगा रहे,
आप हटाएं, आप देखें दिनों में आपका, दिनों में क्या नाले जो बर्न हो जाता है अक्सर किचन में, खवातीन दूध के गिरने से या ऑयल के गिरने से जो एक बर्न सा आ जाता है और वो एक लाल रंग का निशान रह जाता है, क्या ये उसके ऊपर लगाया जा सकता है? ऊपर लगाया जा, स्टेन जिस तरह का भी निशान आपके पड़ा हुआ है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद। मतलब अब सिर्फ यही रह गया था कि ये जख्म या दवा के तौर पर इस्तेमाल करना रह गई थी, और वो भी नायला ने उसके लिए भी एक टोटका बता दिया है हमें। तो सुनिए, मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं अक्सर जब भी हम सुनते हैं कि जब भी इस तरह की नेचुरल जो भी चीज़ आप अप्लाई करें जो भी, तो आप बोलते हैं कि इसको लगा के सो जाएं। मेरा सवाल ये कि नींद ना आए तो फिर हम क्या करें? फिर उसका ये कोई इम्पोर्टेंट है कि रात को ही लगाया जाए या रात, देखिए रात को लगाने का भी एक पर्पस है, वो आप बताएं जरा। रात को लगाने का ये होता है कि फिर हमने धूप में नहीं जाना, गर्दो गुबार में नहीं जाना, और ये चीज़ें हम रात को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर। एक और मेरे जहन में चीज़ आ गई है गाजर के हवाले से, जो मैं समझती हूँ कि आज सबका मसला है और मैं मुझे ज़रूर उसको डिस्कस करना चाहिए। वाटर रिटेंशन कितनी ज़्यादा हो जाती है, हम सुबह उठते हैं शाम तक हमारी अंगूठियाँ तंग पड़ी होती हैं, हमारे मतलब होता है ना, सूज जाती है बॉडी। गाजर के पत्तों का कहवा बना लें, गाजर के पत्तों का कहवा बना ले, वो जो इसके आगे लगे होते हैं, गाजर तक नहीं है, पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, बल्कि मुझे लगता है कई चीजों में जो पत्ते हैं ना वो ज्यादा फायदेमंद होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। आपने सिर्फ जैसे हम नॉर्मल ग्रीन टी का कहवा बनाते हैं ना, जी जी, आपने पानी को हल्का सा बॉयल किया, उसमें पत्ते डाले, उसको दम पे रख दिया, जैसे 2 कप पानी है तो आपने 1 कप कर लेना दम पे रखे, आप वो रात को पिए, आप देखें सुबह आपकी बॉडी की सूजन, आपका वाटर रिटेंशन खत्म हो जाएगा। Wow, this is amazing. तो क्या ये वजन कम करने amazing. में मनासिब है? वजन कम करने में बहुत फायदेमंद है, ऐसे क्योंकि ये वो पॉइंट है जो सब जानना चाहते हैं कि क्या गाजर से वजन भी कम किया जा सकता है। वैसे तो हम इसको अगर सैलेड में खाएं तो ऑटोमेटिकली ये एक फुलनेस का एहसास देती है, लेकिन अगर वाकई पोर्शन कंट्रोल जैसे अक्सर लोग आजकल कर रहे हैं पोर्शन कंट्रोल, तो हमें बड़ी जल्दी भूख लग जाती है। आप गाजर को एप्पल साइडर विनेगर में डिप करके रखते हैं, मतलब अगर रखी रहे तो आप एप्पल साइडर विनेगर में इसको डिप करके रखते हैं, और जिस वक्त आपको लगता है आपको भूख लग रही है, मुझे अगर मैं पोर्शन कंट्रोल करती हूँ, मुझे रात 11 बजे भूख लग जाती है शदीद, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्रेविंग होती है, उस वक्त आप सिर्फ इसका एक पीस लेके खा लें। ओके, एक वो जो डिप हुआ, हाँ एक डिप हुआ, आप इसको 4 टुकड़े करें, उसको डिप करके रख दें, वो रखा रहे आपके डाइनिंग टेबल पर रखा रहे, वो खराब नहीं होता, वो 2-3 माह आराम से चल जाता है। हमारे मुस्तफा भी पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, 2 घंटे में 4-5 मरतबा पोर्शन कंट्रोल मेरा बहुत अच्छा बैलेंस है, इसलिए हम यहाँ पर ना वो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, वो जो एक जार सा होता है बड़ा सा, एक जिसके अंदर अचार भर के अम्माएं रखा करती थी, मर्तबान जो होता है उसके अंदर हम गाजर और एप्पल साइडर विनेगर करके अपने सेट पे रख देते हैं ताकि सब खाते रहे। मुझे नजर नहीं आ रहा मर्तबान किधर है, नहीं वो हम छुपा देते हैं, जब हम कोई नहीं होता फिर हम वो निकालते हैं, मगर क्या नहीं, वाकई ये बहुत अच्छा है, इसका मुरब्बा बहुत अच्छा होता है, याददाश्त के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके जब इसका मुरब्बा बनाएं इनको बताइए याददाश्त के लिए, इनको भी बताइए याददाश्त के लिए, इनको बताइए। हम ये मैं आपको बताऊं कि ये कोई सहज तो हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए, नेचुरल है, और इतनी आपको ऑब्वियसली इतनी डेप्थ नॉलेज है इसके बारे में, इतने फायदे हैं इसके, मगर हम दोनों को खास तौर पर क्योंकि हमारी वक्त के साथ साथ नजर और याददाश्त का हम दोनों को बहुत सख्त मसला है, ये नहीं याददाश्त का नहीं, नामों का स्पेशली क्लिनिकल मसला है, मतलब हम मतलब नाम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं हमारे जो गेस्ट होते हैं या वैसे भी मतलब दूसरे से हम पूछते हैं ये अच्छा इनका क्या नाम था, उनका क्या नाम, मेरा नाम याद है, आपका नाम तो मेरे दिल पे लिखा हुआ है। तो बहरहाल ये चीजें अच्छा ये होता यूं है कि आपने जैसा बताया कि ये हम भूल चुके हैं या हमें नॉलेज नहीं, तो जिस तरह आपने समझाया कि इतना फायदे हैं और किस तरह से किस चीज़ को साथ में आप ज्वाइन करके एडजस्टन रख के मजीद उसका फायदा निकाल सकते हैं। देखें हमारे जो देहाती लाइफ है या कुछ अर्सा पहले जब बच्चे छोटे होते थे वो दादा नाना से कुछ चीज़ें स्वीट्स वगैरह मांगते थे तो वो अमूमन उनको गाजरें या कुछ ऐसी चीज़ें देते थे नेचुरल चीज़ें, तो वो बच्चे कितने हेल्दी होते थे, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती थी, उनका रंग बहुत अच्छा होता था। और आजकल अगर बच्चे कुछ मांगते हैं तो दादा या नाना जो है वो जेब से चॉकलेट निकाल के दे देते हैं, तो रिप्लेस कर दिया गया ना इन नेचुरल चीज़ों को अननेचुरल स्वीटनर से ना, तो उसके नुकसान आते हैं। उसी तरह एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, हमारे यहाँ जब हम पकाते हैं ना किसी चीज़ को हम उसको रगड़ के रख देते हैं, ओवरकुक्ड करते हैं, टूट के वो ख़राब हो के कलर ख़राब हो जाता है, हम उसके बाद उसे खाते हैं। सो गाजर जो है तो वैसे ही एक स्टीम में पक जाती है, तो प्लीज़ आप इस बात को ज़रूर उठाएं कि भाई इसे पकाना कितना है, कितनी देर उसको पकाना है और तब उसे खाना है। अच्छा सोनिया, मैं तो कोई भी वेजिटेबल बनाती हूँ ना तो मैं उसको तेज़ आंच भी नहीं बनाती, मैं उसको बहुत स्लो फ्लेम पे बनाती हूँ, बल्कि यूँ समझ लें दम पे रख देती हूँ ना, तो वो उसका ना कलर ख़राब होता है ना उसके वो ओवर कुक्ड होने की वजह से उसके फ़ायदे ख़त्म होते हैं। तो गाजर को भी हमने यूँ करके मसलना नहीं है, हमने बिल्कुल ऐसे
मुझे तो साबित चीजें लगता है ज्यादा अच्छी लगती है। हमारे एक बहुत मशहूर मतलब हमारे हर घर में बनता है ना मिक्स वेजिटेबल, जिसमें गाजर एक अहम जूस है, मटर भी होते हैं, आलू भी होते हैं, वो सारी चीजें इतनी हेल्दी हैं। लेकिन मैंने देखा है लोग पका के ना उसको बिल्कुल मसल देते हैं, मैश कर देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक क्रंची सी जो लुक आती है ना वो, और खाने में भी अच्छी और लजीज होती है। सिर्फ गाजर का हलवा जो है वो आप उसको मैश कर लें, वो क्रंची नहीं होना चाहिए। लेकिन गाजर की जो खीर है उसमें तो हमें गजरेला अच्छा, लोगों को ये भी बड़ा कंफ्यूजन है कि गाजर का हलवा और गजरेला सेम तो है। हाँ, ये मुझे भी है वैसे, ये मैं भी आपको तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। मैं खाने के मामले में लेके मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। आप धरती पे करने क्या हैं वैसे? और अभी ये अब देखिए, मैं हूँ आवाम की आवाज, ठीक है, तो मैं आपको आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये कंफ्यूजन आवाम की है जो मैं आपके सामने, जो गाजर का हलवा होता है ना जिसमें हम गाजरें मैश करके डालते हैं, फिर उसको हम दूध में पकाते हैं, फिर हम ड्राई करते हैं, उसमें हम मेवा जार डालते हैं, घी डालते हैं, उसको भून लेते हैं, वो हलवा कहलाता है। जो गजरेला होता है उसमें हम मैश तो गाजरें करते हैं लेकिन वो दूध में डालते हैं और साथ हम थोड़े से चावल भी डाल देते हैं, कद्दूकश करके डालते हैं। देखिए ये बातें इन्होंने इतनी अच्छी बताई, अगर ये शो रिकॉर्ड ना होता तो मैं भूल जाता। खुश नसीबी है कि आज हम टेलीविजन पे बैठे हैं और ये बातें, खुश नसीबी है कि हमारे शो का ये सेगमेंट है खाना खजाना, जिसके अंदर हम कितनी जबरदस्त चीजें सीखते हैं। सो आपने देखा कि नायला ने किस कदर खूबसूरती के साथ गाजर के फवायद बयान किए, और आई एम ग्लैड, बल्कि हमारी पूरी टीम जो है वो बहुत खुश है कि आज हम लोगों ने गाजर से रिलेटेड कितने बेनिफिट्स जाने। और ये जो हमारा सेगमेंट है खाना खजाना, ये वाकई खजाना है, मतलब ये बता रहा है अपने मुंह से कि भाई खाना जो है वो एक्चुअली खजाना ही है। नॉलेज जो मिली है और जो नॉलेज का जो खजाना होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर ये तब जरूरी होगा जब इसको हम अप्लाई करते हैं जिंदगी में और इन सारी चीजों को याद रखते हैं। तो मैंने जितना भी सुनी होगा कि ये अच्छी बात है कि रिकॉर्ड हो गया, हम भी जाते हैं बाद में जाके ये प्रो टिप्स लिखेंगे और इस पे अमल करने की। फिर आप सुबह दोबारा देख सकते हैं, अगर आप जरा सी भी कोई चीज मिस कर गए हैं दोबारा सुबह 10 से 12 दोबारा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नायला वंस अगेन तशरीफ लाने के लिए और इतने खूबसूरती के साथ गाजर के फवायद बयान करने के लिए। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा आपका शो है, इतना खूबसूरत सेट है, तो उस पे बहुत अच्छे अच्छे शो हमें करने चाहिए। थैंक यू सो मच, ये मरियम की तरफ से लगाया गया ये सेट जो है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सो अब प्रोग्राम का मुझे लगता है कि अब हमें वक्त जो है अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे पास हर चीज़ का कंट्रोल होता है या ऐसा हमें लगता है, मगर एक चीज़ है हम जिसका हम कंट्रोल कभी हासिल नहीं कर सकते, वो वक्त है। इसी तरह हमारे शो का जो वक्त है वो ख़त्म होता जाता है। मैं और सोनिया कोशिश करेंगे कि इसका हलवा भी बनाएं और खीर जो है वो सिर्फ मैं खाऊंगा इसकी, क्योंकि मैं खीर जो है वो उसका मेरी सबसे फेवरेट डिश जो है खीर है। तो सोनिया क्या कहती हो, खीर और हलवा जाके खाएं? और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको इजाज़त देते हैं, व्यूअर्स से भी हम इजाज़त लेते हैं। आज एक बहादुर खातून के साथ मुलाकात की, उसके बाद हमने गाजर के फवायद जाने और खूब सारी हमारी दरमियान में गपशप रही, और हमें यकीन है कि हमारा प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा। हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा, आपके फीडबैक्स हमारी सर आंखों पर, और मुझे हमारी टीम को और मुस्तफा को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।